ये और सब गाइस कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसे कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में मिलिट्री कर्नल के साथ मिलकर हम लोगों ने बिग माफिया के भाई को मारने का पूरा प्लान बना लिया था, क्योंकि यार उसको मारे बिना हम लोग फ्रैंकलिन तक नहीं पहुंच सकते थे। और फ्रैंकलिन को मारना इसलिए जरूरी था क्योंकि उसने दूसरी गैंग्स ज्वाइन कर ली थी और वो हमारे काम खराब कर सकता था। बट तभी हमें पता चला कि फ्रैंकलिन ने खुद से गैंग नहीं ज्वाइन करी है, उसको जबरदस्ती लालच देकर या फिर किसी जाल में फंसा कर ज्वाइन करवाया गया था। तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि फ्रैंकलिन की आंटी से हमें पता चला कि बिग माफिया के भाई ने ना अब उसको एक टाइप से पूरा किडनैप कर लिया है। और जैसे ही हम लोग उस बंकर में उसे बचाने के लिए आया पूरी की पूरी मिलिट्री और मिलिट्री सोल्जर्स के साथ, तो हमने यहाँ पर काफी सारे बंदों को मारा। और जैसे ही हम लोग मार के इस बंकर के अंदर आए तो बिग माफिया के भाई ने ना ये वाला जो गेट है इसको बंद कर लिया जिसके अंदर फ्रैंकलिन था। अब यार देखो, जो भी हो उसने ना हमें पूरा का पूरा यहाँ पर पागल बना डाला। उसने मेरे को बोला कि ना एक बैंक की चोरी करनी है और तुम्हें मेरे नीचे वापस से काम करना होगा। तो बैंक की हमने चोरी भी कर दी और हमने उसे बोल भी दिया हम लोग अब तेरे नीचे काम करेंगे, बस फ्रैंकलिन को छोड़ दे। तो उसने फ्रैंकलिन को तो छोड़ा, बट इस बंकर के अंदर हमें बंद कर यहाँ से चला गया। मतलब एक टाइप से देखा जाना तो उसने फ्रैंकलिन को नहीं छोड़ा, हम तीनों को उसने यहीं पर बंद कर दिया। और यहाँ पर कुछ और भी गुंडे रखे हुए थे जो कि हमें मारने जैसे आए, तो सही टाइम पर ट्रेवर ने देख लिया और यहाँ पर चार बंदे ट्रेवर ने डाउन करे, बाकी बंदों को मैंने मार दिया। भी फिलहाल फ्रैंकलिन की ना हालत पहले से तो थोड़ी बहुत ठीक है। और इस टाइम पर ना मैंने लेस्टर को भी कॉल कर दिया कि जल्दी से बंकर पे पहुंच, तो वो मिलिट्री कर्नल के साथ यहां पर आ रहा है ताकि इस बंकर को जल्दी से किसी तरीके से खोला जाए और हम लोग यहाँ से बाहर निकले। फिलहाल यार ये देखो, ये रहा फ्रैंकलिन। वो तो अच्छी बात ये है कि यहाँ पर ना काफी सारी हील्स के आइटम ये देखो पड़े हुए हैं, पूरे के पूरे गत्ते ही गत्ते पड़े हुए हैं जिसके अंदर काफी सारी मेडिसिन है, इंजेक्शन है, सब कुछ है। तो यहाँ पर आराम से फ्रैंकलिन के हमने एक आध एड्रेनलिन सिरिंज लगा दिया जिसकी वजह से अभी इसकी हालत ठीक हो चुकी है, थोड़ी देर सो रहा है। एंड अभी फिलहाल शायद से लेस्टर यहाँ पर पहुंचने ही वाला होगा। एक बार ही मैं जल्दी से कॉल करता हूँ, देखते हैं क्या सीन है। तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से कॉल पे बात हो चुकी है और गाइस वो कह रहा है कि वो ना काफी देर पहले ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं इस बंकर के गेट को खोलने की, लेकिन यार पता नहीं कैसा गेट है, खोलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो अभी फिलहाल वो कह रहे हैं कि उन्होंने ना ऊपर से ड्रिल करना स्टार्ट कर दिया है ताकि यहाँ पर एक गड्ढा कर दें और उसी गड्ढे से हम लोग यहाँ से बाहर निकल पाए। बाकी अरे गाड़ी ने ना भाई सच्ची में पूरा का पूरा साथ दिया, इतनी ज्यादा मजबूत गाड़ी है। बट अभी फिलहाल ना इसमें से धुआं निकलने लग गया है, एक बार चेक करता हूँ क्या सीन है, रिपेयर होगी तो कर देंगे। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल गाड़ी का धुआं तो निकलना बंद हो गया है क्योंकि गाड़ी ऑफ थी। एक बार ही जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठते हैं एंड दोबारा से स्टार्ट करके से देखते हैं कि आखिरकार अब ये ठीक है या फिर नहीं। ओके, तो अभी फिलहाल इसमें से धुआं नहीं निकल रहा है। जल्दी से हम लोग सारे गेट बंद करते हैं एक बार एंड फटाफट से मैं गेट पर चलकर देखता हूं आखिरकार यहां पर ये लोग सही में ड्रिलिंग कर रहे हैं या फिर मजाक कर रहे हैं। वैसे ये मजाक का टाइम नहीं है भाई, बहुत ज्यादा सीरियस टाइम है। जल्दी से ना मैं अपनी गाड़ी यहां तक तो लेकर आ चुका हूं। ओके, तो आवाज तो यार आ रही है मेरे को यहां पर ड्रिलिंग करने की। जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं। बाकी यार यहां पर एक सेकंड। ओके, तो भाई ये जो बंकर का गेट है ना, ये देखो ऊपर से ड्रिलिंग हो रही है तो जितना भी जो चूरा वगैरह है सारा का सारा नीचे गिर रहा है। भाई मेरे को पता क्या लग रहा है कि ड्रिलिंग भी हो रही है, हैमरिंग भी हो रही है और साथ के साथ भाई यहाँ पर पता नहीं कौन कौन सी मशीन ऊपर लगी हुई है। बट ये जो बंकर का गेट है यार, इतनी ज्यादा आसानी से नहीं खुलने वाला। मुझे लग रहा था कि लेस्टर आएगा तो आराम से इसे हैक करके खोल देगा, बट अभी मेरे को नहीं लगता कि यार ये जो गेट है ना जल्दी ही खुलने वाला है। चलो कोई नहीं, यहीं पर खड़े होकर ना एक बार मैं लेस्टर से बात करता हूँ कि कितना टाइम अभी और लगने वाला है। तो ओके गाइस, यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, फाइनली पूरे के पूरे आधे घंटे बाद लेस्टर ने इस बंकर के अंदर एक छोटा सा होल कर दिया है और उसी में से एक टेम्पररी आयरन की स्टेयर लगा दिया जिससे चढ़कर हम लोग ऊपर जा सकते हैं। तो यार देखो ये खड़ा लेस्टर एंड साथ में मिलिट्री कर्नल की पूरी फोर्स भी यहाँ पर आई हुई है। तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो चुकी है और गाइस ये कह रहा है कि ना तुम मिलिट्री कर्नल को जाकर बता दो कि लास्ट टाइम ना यहाँ पर क्या हुआ था और हम लोग बिग माफिया के भाई को क्यों नहीं मार पाए और इस वाले डोजर के अंदर अपना अंडरवाटर माफिया बैठा हुआ है, तो शायद से इसी ने टनल खोलने में अपनी सबसे ज्यादा हेल्प करी होगी। तो चलो अभी जल्दी से हम लोग एक बार बात कर लेते हैं मिलिट्री कर्नल से। तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल मिलिट्री कर्नल से बात हो चुकी है और गाइस मैंने ना इसको पूरा का पूरा सीन बता दिया है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने ना बिग माफिया के भाई के लिए एक बैंक में चोरी करी थी क्योंकि यार उसने हमारे दोस्त को पकड़ा हुआ था। अब चोरी जो हमने करी थी ना, ये बात इसको नहीं पता थी क्योंकि यार सीधी सी बात है कर्नल है, इसको बताना सही नहीं था। बट अभी फिलहाल मैंने सब कुछ सच सच बता दिया है और ये कह रहा है कि ना ये बंकर के अंदर जाकर देखना चाहता है कि आखिरकार बिग माफिया के भाई ने कैसा बंकर बना रखा है। मतलब कि इसने ना अपनी सभी आर्मी को बोल दिया कि तुम लोग पीछे रुको, ये बस अभी अकेले अंदर चलने वाला है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल जल्दी से चलते हैं सीधा इस बंकर के अंदर और अभी ना अंदर चलकर मैं इन दोनों को दिखाता हूँ कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पर कैसे कैसे हमने बिग माफिया के बॉडीगार्ड्स को मारा है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग चलकर सीधा अपनी गाड़ी में बैठते हैं एंड फटाफट से अपनी गाड़ी को भी लेकर चलते हैं इस जगह के अंदर। बाकी ये जो गाड़ी है ना सच्ची में कुछ ज्यादा तगड़ी है और इस टाइम पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात मुझे पता है क्या लग रही है कि जो एक सेकेंड लेस्टर क्या हो गया भैया, गाड़ी में आकर बैठो जल्दी से। तो हाँ, सबसे ज्यादा हैरानी की बात मुझे ये लग
लग रही है। इस टाइम पर मिलिट्री कर्नल बिना किसी आर्मी के बंदे को लिए बिना हम पर विश्वास कर सीधा इस बंकर के अंदर आ चुका है, यानी कि इसको हमारे ऊपर इस टाइम पर पूरा भरोसा है। और वैसे हाँ यार, भरोसा होना भी चाहिए क्योंकि इस टाइम पर हम दोनों एक दूसरे के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। हम दोनों को ही बिग माफिया के भाई को अब तो मारना ही मारना है क्योंकि फ्रैंकलिन का बदला भी लेना है। फिलहाल जल्दी से अपनी गाड़ी को यहीं पर खड़े करते हैं एंड इस टाइम पर इन लोग को ये जगह पूरी की पूरी देख लेने देते हैं। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो जगह है जो कि मैं मिलिट्री कर्नल को दिखाना चाहता हूं, जिसकी वजह से बिग माफिया का भाई हमसे बचकर भाग पाया। उसने हमें पूरा पागल बना दिया था उस एक सीक्रेट टनल की वजह से, जबकि वहां पर कुछ था भी नहीं। तो चलो यार, अभी ना फिलहाल छोड़ो इस बात को, अभी ना जल्दी से हम लोग चलते हैं सीधा सामने वाले रूम में जहां पर फ्रैंकलिन था एंड चल कर देखते हैं कि अभी वो सोकर उठा है या फिर नहीं है, क्योंकि अभी जल्दी से जल्दी हमें यहां से निकलना है। अभी फिलहाल ये तो सोकर उठ गया, बट एक सेकेंड, मुझे यहां पर लेस्टर और मिलिट्री कर्नल नजर नहीं आ रहे, वो भी तो अपने साथ अंदर ही आए थे। अभी फिलहाल वो तो बाहर भी नहीं है। ओके, तो यार अपनी ना एक गाड़ी भी थी यहां पर, मुझे नहीं पता वो कहां चलेगी, शायद से बिग माफिया के भाई ने चुराई होगी। ओके, तो ये खड़ा मिलिट्री कर्नल एंड इस टाइम पर ये सर्वर के अंदर कहां जाग रहा है। ओके, तो लेस्टर अंदर ये कुछ कर रहे हैं सर्वर के अंदर, पता नहीं क्या ही सीन है। अभी देखते हैं यहां पर इसे जो करना है कर लेने देते हैं, जल्दी से हम लोग यहां से निकलते हैं। तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो चुकी है और गाइस इस टाइम ना लेस्टर ने तो यार हमको पूरे का पूरा सरप्राइज ही कर दिया, क्योंकि आप ये जो देख पा रहे हो ना गाइस, ये बिग माफिया के भाई का पर्सनल सर्वर है, यानी कि अब बिग माफिया के भाई का जितना भी सीक्रेट डाटा है ना, वो सारा का सारा हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। उसके जितने भी डिवाइस, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, सीसीटीवी, हर जगह के जहां तक है सारे के सारे यहीं से कनेक्ट होंगे। तो ये तो उसने बहुत ही बड़ी गलती कर डाली। अब यार देखो, अभी हमारे सब हाथ नहीं लगा है क्योंकि इसके अंदर लगी हुई है बहुत तगड़ी सिक्योरिटी जो कि लेस्टर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल जैसा मैंने सोचा था सेम टू सेम वैसा ही हुआ है। लेस्टर ने सर्वर को हैक कर लिया है एंड इसके अंदर से ना गाइस हमें बिग माफिया के भाई की रिसेंटली कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स मिली है, जिसके अंदर वो ना किसी शिकागो के बंदे से बात कर रहा है किसी पार्टी अटेंड को लेकर, क्योंकि आज 31 दिसंबर है, तो हो सकता है कोई न्यू ईयर की पार्टी के लिए वो जा रहा हो शिकागो। अब 100% तो हम लोग श्योर नहीं है, कॉल रिकॉर्डिंग में हमें यही सुनाई दिया है। और इस टाइम पर ना गाइस मिलिट्री कर्नल कह रहा है कि अभी ना कुछ भी हो जाए, बिग माफिया का भाई ने इसे जिंदा चाहिए, हमें उसे मार के नहीं लाना, क्योंकि हो सकता है उसके और भी बहुत सारे कनेक्शंस हो, और अगर ये जितने गैंगस्टर्स को पकड़वाएगा ना, इसकी पोस्ट उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, तो ये भी अपना प्रॉफिट साथ के साथ देख रहा है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल जल्दी से चलकर हम लोग बैठते हैं सीधा गाड़ी के अंदर। बाकी फ्रैंकलिन ना यहां पर पहले ही आकर बैठ गया। एक सेकंड रुक जाओ, यहां पर मैं अनलॉक करने भूल गया गाड़ी, बट फ्रैंकलिन कैसे अंदर घुसकर बैठ गया मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, बट कोई नहीं। फिलहाल सब लोग यहां पर अपना गाड़ी में बैठ चुके हैं, जल्दी से ना गाइस अपनी गाड़ी को हम लोग यहां से बाहर निकालते हैं। अभी देखते हैं कि अभी क्या प्लानिंग है, कैसे हम लोग बिग माफिया के भाई को ढूंढेंगे, क्योंकि यार देखो भी कॉल रिकॉर्डिंग से तो हमें इतना पता चल चुका है वो किसी पार्टी में जा रहा है शिकागो। अब शिकागो कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा है, और वहां पर हम लोग जाएंगे कैसे, खैर वो सब तो देख लेंगे, बट बिग माफिया के भाई तक कैसे पहुंचेंगे वो हमें देखना होगा। भाई उतरो यहां से, भाई गाड़ी नहीं बाहर जाएगी। तो चलो अभी फिलहाल अपनी गाड़ी को ना यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा था इसे लेकर चलेंगे, रिपेयर वगैरह कराएंगे एंड इस गाड़ी को ना गाइस मैं काम करूंगा दोबारा से ना शॉप में से जाके खरीदेंगे, सच्ची में काफी ज्यादा बढ़िया गाड़ी है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल हम चारों लोग इस बंकर से बाहर आ चुके हैं। बाकी तो और अभी ना फिलहाल यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, इन्होंने इधर से बंकर को खोलने की कोशिश करी थी, पर ये इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से लोग है ना, ये खरोच वहां पर नहीं है, ये इतना ज्यादा मजबूत है। अभी फिलहाल ना अपनी मिलिट्री कर्नल से पूरी पूरी बात हो चुकी है, हमने उसे पूरा का पूरा सीन बता दिया और उसने हमें साफ बोल दिया है कि कुछ भी करो, बस बिग माफिया के भाई को जिंदा पकड़ कर लाना। अब लेस्टर कह रहा है कि प्लान तो उसके दिमाग में बहुत तगड़ा बैठा हुआ है, पहले गाड़ी में बैठो फिर पूरा प्लान बताएगा। अभी फिलहाल हम लोग मिलिट्री वालों की गाड़ी लेकर जा रहे हैं यहाँ से। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल लेस्टर भी अपना गाड़ी में आकर बैठ चुका है और लो भाई फ्रैंकलिन का ही वेट कर रहे थे। चलो गाइस, फाइनली यहाँ पर फ्रैंकलिन भी आ गया है। बाकी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अंडरवाटर माफिया कहाँ पर चढ़कर बैठा हुआ है। तो चलो यार, अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग निकलते हैं सीधा लॉस एंटर्स के लिए। मिलिट्री कर्नल ना गाइस अभी यहीं पर रुकने वाला है, अभी ना उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम आएगी जो कि इस बंकर को ना पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेट करने वाली है, क्योंकि इसके अंदर ना 2-3 सीक्रेट रास्ते और हैं जो कि लॉक रखे थे। अब पता नहीं यार ये इसको खोल नहीं पाएंगे जहां तक मुझे लगता है, बट कोई नहीं, अभी फिलहाल उनको अपनी पूरी कोशिश करने दो। अभी ना गाइस जल्दी से हम लोग निकलते हैं सीधा लॉस एंटर्स, और बीच रास्ते में ना गाइस लेस्टर में पूरा का पूरा प्लान बताने वाला है कि कैसे हमें बिग माफिया के भाई तक पहुंचना है, कैसे उसे ढूंढना है, और कैसे उसे फ्रैंकलिन का भी बदला लेना है, और कैसे उसे पकड़ कर लाकर बिग माफिया के हाथ में देना है। तो चलो अभी फिलहाल जल्दी से पहले पहुंचते हैं लॉस सैंटोस। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाला हूँ सीधा लॉस सैंटोस। और गाइस अभी ना फिलहाल मेरी बीच रास्ते में लेस्टर से पूरी की पूरी बात हो गई है और इसने मेरे को पूरा का पूरा प्लान एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे हमें बिग माफिया के भाई को पकड़ना है और कैसे उसे मिलिट्री कर्नल के हाथ में सौंपना है। तो यार देखो, बिना फिलहाल जो प्लान इसने बनाया लेस्टर ने वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यार देखो बिना फिलहाल हमें इतना तो कन्फर्म हो गया कि जो बिग माफिया का भाई है ना वो शिकागो जा रहा है किसी बहुत बड़ी पार्टी को अटेंड करने।
क्योंकि शिकागो में ना हर साल न्यू ईयर पे एक बहुत बड़ी पार्टी होती है जिसमें जितने भी वीआईपी पर्सन होते हैं ना सिर्फ उन्हीं को इनवाइट मिलता है, तो उसमें से एक बिग माफिया का भाई भी है। तो अभी अगर हम लोग वीआईपी तो है नहीं तो डायरेक्टली हमारी एंट्री नहीं होने वाली, तो मैं एंट्री करने के लिए ना एक बंदा है जो कि वहाँ का डीजे एक टाइप से, तो अगर उस बंदे की जगह हम ले लेंगे तो हम लोग अंदर जा सकते हैं उस पार्टी के, बट वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। अब कैसे उसे मारना तो नहीं, उसे पकड़ कर लाना है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, और अपने पास ना टाइम भी बहुत ज़्यादा कम है। आज अपने पास ना देखो टोटल रात में 12 बजे तक वहाँ पर मेन शो चलना है और 1 बजे तक सब कुछ पैकअप हो जाएगा, मतलब पार्टी पूरी खत्म हो जाएगी और बिग माफिया का भाई वहाँ से निकल लेगा। फिर कहाँ जाएगा, नॉर्थ एंगटन जाएगा, कहाँ जाएगा वो हमें नहीं पता, बट हाँ हमें बस इतना पता है कि इस टाइम पर ना वो शिकागो में है और हमें कुछ भी करके इस पार्टी की खत्म होने से पहले पहले पूरा प्लान कंप्लीट करके वहां पर कुछ भी करके एंट्री करनी है एंड बिग माफिया के भाई को पकड़ कर लाना है, ठीक है। अगर जहां 12 बज गए तो सारा टाइम खराब हो जाएगा। अभी फिलहाल दोपहर के 1 बज रहे हैं, अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 11 घंटे हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल हम लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाले हैं सीधा लेस्टर के न्यू सीक्रेट बेस पे। और गाइस इस टाइम ना लेस्टर ने हमें ये भी बता दिया कि हमें कैसे क्या करना है। तो लेस्टर कह रहा है सबसे पहले तो वो जो डीजे वाला बंदा है ना हमें उसके घर पर जाकर उसको गायब कर देना है, क्योंकि आज उसी का रूप लेकर हम लोग उस पार्टी में जाने वाले हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर दो दो डीजे वाले आ जाएं, तो इसीलिए उसको गायब करना पड़ेगा। और हमें ना एक गाड़ी का जुगाड़ करना पड़ेगा जिसमें बेसिकली डीजे का पूरा सेटअप रहता है। अब ऐसी गाड़ी तो मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया कि कहां पर मिलने वाली है, तो चलो कोई नहीं, फिलहाल इन लोग को यहीं पर उतारते हैं और हम लोग जल्दी से यहां से निकलते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं। और इस वाली गाड़ी में ना भाई लॉकिंग का सिस्टम बहुत ज़्यादा तगड़ा है, मतलब कि इस गाड़ी में नहीं है, ये जो अपने पास रिमोट है ना जो बैनी नहीं दिया है ये बहुत ज़्यादा सही है। तो चलो कोई नहीं, फिलहाल जल्दी से हम लोग एक अलग गाड़ी लेते हैं और फटाफट से निकलते हैं उस डीजे वाले के घर पर। अभी जल्दी से मैं आकर बैठ चुका हूँ इस गाड़ी के अंदर। बाकी इस टाइम पर ना लेस्टर और ट्रेवर फ्रैंकलिन को ना अपना न्यू सीक्रेट बेस दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। मतलब यार इस सीक्रेट बेस के अंदर ना मुझे लगता है एक बेसमेंट भी है जो कि लेस्टर ने अभी तक हमें रिवील नहीं करी है, तो शायद वो पता नहीं रिवील करेगा या फिर नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर पैसा या फिर वेपन्स हो। तो भी लेस्टर कह रहा तुम जल्दी से जाओ, और ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं है, वो जो डीजे वाला बंदा है ना नॉर्मली एक घर में रहता होगा, बस जाकर हमें उस बंदे को ना ढेर करना है और मतलब उसे बस गायब कर देना है। लेस्टर ने कहा कि यार मारना मत, उसकी कोई बेचारे की गलती नहीं है इसलिए, तो भी नॉर्मली चलते हैं, बस उसको गायब कर कराना है अहजाज के लिए। और हाँ गाइस हमें ना साथ के साथ टाइम का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि यार अभी ना अपने पास टाइम की कुछ ज्यादा ही कमी है, हमें कुछ भी कर करना 6 बजे से पहले शिकागो पहुंचना है। अब मेन शो तो वैसे 12 बजे का है, बट पहले इसलिए जाना है ताकि हम लोग ना वहां पर जाकर अच्छे से ना शिकागो का भी माहौल चेक कर पाए कि वहां पर कितनी सिक्योरिटी है और क्या सीन है। बाकी अभी ना फिलहाल मुझे नहीं मालूम हम लोग कैसे जाने वाले हैं, और मतलब हेलीकॉप्टर से जाएंगे प्लेन से जाएंगे कुछ नहीं पता, बट हाँ जो भी है जाना है जल्दी जल्दी, तो ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। और अभी फिलहाल कितना टाइम हो चुका है, 13 की इस टाइम पर 2 बज चुके हैं, तो कुछ भी करो भैया जल्दी करो, जल्दी से पहले पहुंचते सीधा उस बंदे के घर पे। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर सीधा उस बंदे के घर पर पहुंचने वाला हूँ। वो जो आप लेफ्ट साइड में बड़ा सा रेड एंड व्हाइट कलर का मेंशन देख पा रहे हो ना, तो वही घर है, और जहां तक मुझे लग रहा है मैं इस घर में शायद से पहले एक बार ही आया हुआ हूँ, खैर छोड़ो यार अभी अच्छे से याद नहीं है। तो ये जो काम है ना गाइस हमें जल्दी जल्दी चुपचाप से करना है, चुपचाप से इसलिए करना है क्योंकि गोलियां चलाएंगे तो पुलिस वगैरह आ जाएगी और हमें उनसे निपटना पड़ेगा। बाकी यार इसके घर में बॉडीगार्ड्स भी है, मुझे भाई वैसे इतना बड़ा मेंशन है, इतना अमीर बंदा है, सेलिब्रिटी है यार आखिरकार, तो बॉडीगार्ड तो होंगे। एक काम करता हूँ इस टाइम पर ना हमने कपड़े भी अच्छे खासे पहने हुए हैं, तो एक बार ना मैं नॉर्मली चलकर देखता हूँ, क्या पता ये ना हमें चुपचाप से अंदर जाने दे। बाकी यहाँ रेड लाइट थोड़ी है भाई, गाड़ी चला क्या कर रहा है, और ओ भाई भाई एक सेकंड भाई कैसी कैसी गाड़ी, एक मिनट रुक जाओ भाई पहले हमें जाने दे, पता चला हमें ही गजर डाले। तो चलो इनके बॉडीगार्ड से बात करते हैं एक बारी। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर इनके बॉडीगार्ड से बात हो चुकी है, और गाइस यार ये कह रहे हैं कि ना इस टाइम पर डीजे के तुमसे नहीं मिल सकते, ये उनका काम करने का टाइम है, अगर तुम्हें मिलना है तो तुम सीधा शाम के बाद आना या फिर रात में कभी भी आ जाना। वैसे यार देखो अभी रात में आएंगे तो काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, बट रात में आने का अपने पास टाइम नहीं है, हमें ये जो काम है ना जल्दी से जल्दी करना है। तो भी ना जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठते हैं और कोई और रास्ता ढूंढते हैं घर के अंदर एंटर होने का, क्योंकि जो मेन गेट है वहाँ से तो ये दोनों नमूने हमें अंदर जाने नहीं देंगे। तो पहले इनको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है हम शाम को आएंगे, जल्दी से अपनी गाड़ी यहाँ पर मैं मोड़ लेता हूँ। बाकी भैया पहले तुम गाड़ी निकालो, और वो बेचारा तब से वहीं खड़ा हुआ है भाई, रेड लाइट थोड़ी है वहाँ, मैं तो कुछ ज़्यादा वीआईपी समझ गया मेरे को। एक सेकंड गाइस पीछे कुछ दिखा, ओ भाई यहाँ से हम लोग घर के अंदर ना चुपचाप से जा सकते हैं। जल्दी से मैं धीरे धीरे आगे चलता हूँ, लेफ्ट साइड में भी एक बॉडीगार्ड खड़ा हुआ है और पीछे भी एक और गार्ड है। चलो 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 पहले ना यहाँ पर छुप जाता हूँ,
ये जगह मेरे हिसाब से ना काफी ज्यादा बढ़िया रहेगी। और अभी तक तो फिलहाल इन दोनों में से किसी ने भी मेरे को नहीं देखा, खैर छोड़ो उस पर कम ध्यान दो, सीसीटीवी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और वैसे सीसीटीवी तो मेरे को यहाँ पर नजर ही नहीं आ रहा है एक भी, तो भी ना इसको मैं यहीं पर बैठने के लिए बोल देता हूँ, मेरे को अकेले अंदर जाना चाहिए। तो ओके गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल अंडर वाटर माफिया चुपचाप से यहीं पर बैठ चुका है। जल्दी से मैं अपना चाकू बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि यार हो सकता है इसकी जरूरत पड़ जाए। यहाँ पर ना हमें जो भी बॉडी गार्ड्स अपने सामने आएंगे ना उनको हमें चुपचाप से मारना पड़ेगा, क्योंकि शोर मचा के मारूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे यार देखो यहाँ से ना ऊपर स्टेयर्स तो जा रही है, बट मुझे नहीं लगता क्योंकि ये वाला जो रास्ता है ना सीधा मेन गेट पर जाएगा। वहाँ पर वो देखो मेन गेट पर एक बॉडी गार्ड खड़ा हुआ, तो नहीं यार यहाँ से अंदर जाना बिल्कुल बेकार है। अब कुछ पता नहीं है ना, एक है दो या तीन है चार है कुछ नहीं पता फिलहाल। यहाँ पर जो है ना, एक सेकंड रुक जाओ, वैसे इतना बड़ा मेंशन है घर की एंट्रेंस ना 10 तो मिनिमम मेरे हिसाब से होगी होगी। बाकी ये क्या रूम है, स्विमिंग पूल है मेरे को ये नहीं। ओके तो भाई साहब क्या लग्जरी मेंशन है वाला, मतलब ये ना गाइस रूम नहीं है। एक बार नीचे देखो पानी है, पानी के ऊपर ग्लास है और उसके ऊपर इन्होंने अपना ऑफिस बना रखा है। भाई साहब कितना तगड़ा घर यार इस बंदे का। फिलहाल काम वाम छोड़ो, अभी ना फिलहाल सबसे पहले इस बंदे को मारना पड़ेगा, वरना ये हमारा काम जरूर खराब कर सकता है। और इस टाइम पर ना मैं छोटा मोटा रिस्क ले सकता हूँ क्योंकि अपने साथ अंडर वाटर माफिया वो हमारा साथ पूरा दे देगा। निकलो बेटा यहाँ से, बहुत ही गंदी तरह मैंने इसको मारा है। मुझे तो लगता भी नहीं कि किसी भी बंदे को आगे भनक गई होगी। एक गंजा और खड़ा हुआ आगे मॉन्स्टर जैसा, अभी चुपचाप से ना उसके भी पास चलना होगा और उसको भी डाउन करके उसका खेल खत्म करना है। वैसे जहां तक मुझे लग रहा है ना ये थोड़ा खतरनाक है, मुझे लग रहा है कि ये काम खराब कर देगा, बट कोई नहीं फिलहाल रिस्क लेना पड़ेगा तभी हम लोग अपना काम कर पाएंगे। तो चुपचाप से एकदम स्लोली स्लोली चलेंगे एंड इसके एकदम पेट में मारना है चाकू। 3 2 1 लेट्स गो, निकल यहाँ से। इसको भी मैंने मार दिया। बाकी यार ये जो मेंशन है सच्ची में काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है मेरे को अंदर से। बाकी यार सामने ना देखो एक गेट है, बट उस गेट पे ना दो दो बॉडी गार्ड खड़े हुए हैं। अब तो यहाँ से भी अंदर जाना पूरा इम्पॉसिबल है क्योंकि मैं एक बंदे को तो चुपचाप से मार सकता हूँ, बट दूसरे वाले को तो पता ही चल जाएगा क्योंकि उसके एकदम बगल में खड़ा है। और उसको पता चल गया तो समझ लो सबको पता चल जाएगा। बट एक सेकेंड, यहाँ पर नीचे वाला फ्लोर भी है और नीचे वाले फ्लोर पर ना 3-4 बंदे लेट के शायद से सनबाथिंग कर रहे हैं, तो वो जगह बढ़िया रहेगी। शायद से अगर हम लोग वहां से जाएंगे ना तो हमें नीचे वाले फ्लोर से भी एक घर की एंट्रेंस होगी, मुझे पक्का पता है। तो अभी ना गाइस रिस्क उठाकर यहाँ से छोटी सी जंप मारते हैं, अपने पास पैराशूट है, बस ये टाइम से खुल जाए, मेरे को इतना नीचे नहीं जाना था। ओके ठीक है, एकदम परफेक्ट लैंडिंग करी हमने यहाँ पर। जल्दी से ना गाइस चलते हैं हम लोग इस मेंशन के अंदर। भाई इतना ज्यादा बड़ा घर है ना भाई ये, मतलब अभी तक मुझे लगता था वो जो लेस्टर का फ्रेंड है ना जहाँ पर हमने अपनी गोल्ड कार से रखी है, वैसे नहीं यार वो सबसे बड़ा घर है ये, उससे बड़ा नहीं है पर उससे बहुत ज्यादा तगड़ा है। जल्दी से ना हम लोग यहाँ पर अंदर चलते हैं। यहाँ से यार देखो कोई ना कोई एंट्रेंस तो होगी। अब गाइस यार देखो इस चीज को लेकर तो मैं 100% श्योर हूँ कि घर के अंदर जाने की एंट्रेंस ग्राउंड फ्लोर से भी 100% होगी होगी। तो भी ना जल्दी से हम लोग यहाँ से लेफ्ट से आगे चलते हैं, बट उससे पहले मैं घर की ये वाली जो दीवार है इसे कैसे पार करूंगा, ये तो बहुत ज्यादा ऊंची है। और एक सेकंड, यहाँ पर ये सही आइटम इन्होंने बना रखा है, मतलब स्टेयर्स नहीं है बट बिल्कुल स्टेयर्स जैसा ही है, तो इसके ऊपर हम लोग इजिली चढ़कर जा सकते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। बाकी यार अभी फिलहाल मैं पता है क्या सोच रहा हूँ कि मुझे ना यहाँ से नीचे उतर जाना चाहिए क्योंकि यार सामने भी दो बंदे ना अपना लेट के सनबाथिंग कर रहे हैं और ऊपर की तरफ में जो बॉडी गार्ड्स है ना वो कहीं मुझे देख ना ले। बट गाइस अभी ना फिलहाल अपने पास और कोई रास्ता तो बचा ही नहीं है, अभी ना फिलहाल हमें यहीं से पहले ऊपर जाना पड़ेगा, तो ये काफी ज्यादा ऊंचा है, बट एक बार ट्राई करते हैं। 3 2 1 लेट्स गो। ओके तो चलो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं ऊपर। बाकी देखो सामने वाले गेट पर एक बॉडी गार्ड और खड़ा हुआ है और जो दो बंदे लेटे हुए हैं ना भले ही उनकी आंख बंद है बट अगर एक सेकंड के लिए भी खुली ना तो सीधी सी बात है उनकी नजर हमारे ऊपर ही जाने वाली है, तो भी जल्दी से मेरे को भाग कर आगे जाना पड़ेगा प्लीज प्लीज। ओके तो लेट्स गो, फिलहाल हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं और शायद से इन लोगों ने मेरे को देख लिया। नहीं 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 मैं जा रहा हूँ सर 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 कोई नहीं एक सेकंड, ये अपने बॉडी गार्ड्स को कहीं बताना दे। फिलहाल वो तो अपना पीछे चला गया और एक सेकंड वो अपना जाके सो गया, क्या सीन चल रहा है। एक सेकंड ये कहाँ भाग कर जा रही है, एक सेकंड अपने बॉडी गार्ड को ना, अबे वो कहाँ चलेगी भाग के, एक सेकंड पहले मैं इसको मारूंगा क्योंकि अगर इसको पता चलेगा ना तो ज्यादा दिक्कत है। बाकी यहाँ पर इसको तो मैंने लपेट दिया है, बट तू एक सेकंड तू है कौन, में यही तो नहीं है वो बंदा जिसको ओ भाई साहब तू चोड़ा हो रहा, निकल यहाँ से, वो बंदा नहीं है मुझे पता, वो ऐसा सा नहीं दिखता, मैंने उसको एक बार पहले देखा हुआ है। बट अभी ना फिलहाल यहाँ पर दो बंदों को मैंने बेमतलब ही मार दिया। बाकी ये डॉग यहाँ पर इतनी देर से भौंके जा रहा है इसका सीन ही नहीं समझ आ रहा। भाई शांत हो जा। अच्छा हुआ कि बंद है, अगर खुला हुआ होता ना तो ज्यादा दिक्कत होती। अभी फिलहाल यार सब कुछ एकदम क्लियर चल रहा है, अभी हम लोग इजीली अंदर जा सकते हैं। सामने की तरफ में एक बंदा और आया, भाग सेकंड वो कहीं और जा रहा है, शायद वो बच्चा है इस घर का, पता नहीं कहाँ गया है। जल्दी से ना गाइस हम लोग एक बार अंदर चलते हैं, मामला पूरा क्लियर है अभी।
तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं इस लग्जरी मेंशन के अंदर आ चुका हूँ और गाइस यार ये अंदर से ना कुछ ज्यादा ही तगड़ा है। और अभी ना फिलहाल अच्छी बात तो ये है कि मुझे ना यहाँ पर कोई भी बॉडीगार्ड नजर नहीं आ रहा, और उससे ज्यादा अच्छी बात है कि वो जो डॉग बार बार ही भौंक रहा है ना उसके बाद अंदर नहीं आ रही, क्योंकि अगर उसके बाद अंदर आएगी ना तो हो सकता है यहाँ पर बॉडीगार्ड्स अलर्ट हो जाए। और मुझे लग रहा था कोई रूम है, बट ये रूम है पर बाथरूम है, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो चलो कोई नहीं, फिलहाल यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं। मुझे कुछ भी करके ना जल्दी से उस बंदे को ढूंढना है और उसको ब्यूश कर देना है, और मैं उसे अगर ब्यूश कर दूंगा तो सीधी सी बात है वो आज का शो अटेंड करने लायक रह ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पर एक रूम हो रहा है, पहले इसके अंदर चलते हैं। बाकी यार ये भी रूम काफी ज्यादा तगड़ा और बहुत ज्यादा बड़ा है, बट इसके अंदर भी कोई नहीं है यार, क्या ही सीन है। मैं कहाँ ढूंढूंगा उस बंदे को, इतना ज्यादा बड़ा घर है, इतने सारे रूम है, कुछ पता ही नहीं। ये भी रूम सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है, और ये भी पूरा खाली पड़ा है। तो एक बार आगे चलते हैं। यहाँ पर भाई कुछ ज्यादा रूम नहीं है इस घर के अंदर, मतलब इतना बड़ा तो मेंशन ये बाहर से लग भी नहीं रहा जितना ये मेरे को अंदर से लग रहा है फिलहाल ना। यहाँ पर एक सेकेंड, ये वाले गेट में पहले चलते हैं। और ओ भाई ये कैसा रूम है, ओके। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ना ये उसी बंदे का रूम हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनर है। वैसे यार उसने मेरे को बोला था कि वो उस टाइम पर ना काम कर रहे होते हैं तो वो किसी से मिल नहीं सकते, तो जहाँ तक है वो अपने ऑफिस में ही होगा। और ऑफिस जो हमने बाहर से देखा था ना वो ग्लास वाला, शायद से वही ऑफिस होगा। और जहाँ तक है वो यही वाला रूम होना चाहिए, ओके। तो यही वो रूम है, बट ये तो पूरा का पूरा खाली पड़ा है। इतना बड़ा घर है बट इसके अंदर कोई रहता ही नहीं है। उसका एक बॉडी गार्ड देखो कहाँ खड़ा हुआ भाई, इधर एक ग्लास लगा हुआ है और उसके ऊपर ही सारे के सारे खड़े हुए हैं भाई, कितना ज़्यादा अजीब सा घर है ये। तो चलो कोई नहीं, इस वाले रूम के अंदर नहीं है, लास्ट एक ये रूम रह गया है, उसके बाद ऊपर वाले फ्लोर पर हमें जाकर चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये रही स्टेयर्स, जल्दी से हम लोग ऊपर चलते हैं। बट नहीं नहीं नहीं, ऊपर तो मैं किसी कीमत पर नहीं जाऊँगा। पहले ना एक बारी मैं उस साइड पर नहीं गया ना इस घर के, एक बारी ना जल्दी से हम लोग उस साइड पर चलते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक बारी ना ऊपर भी चलकर देख लेंगे। तो अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो तेरी की सामने की तरफ में ना यहाँ पर एक बॉडीगार्ड शायद से और खड़ा हुआ है। और अच्छी बात तो है कि जब मैं यहाँ पर अंदर एंटर हुआ ना तो उसने मेरे को देखा भी नहीं। अभी ना फिलहाल जल्दी से जाकर ना मुझे उस बंदे को मारना पड़ेगा। जरा तेरी ऐसे कहाँ ध्यान है आपका, निकलो यहाँ से। ओ भाई साहब इसने फायर कर दिया। एक्चुअली इसने फायर करा नहीं है, जब ये गिरा है ना तो शायद इससे ट्रिगर दब गया है। अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, और गाइस ये है मेन स्टूडियो, वो तो ऑफिस था, और यही वो बंदा जिसे हमें मारना है। एक सेकेंड, यहाँ पर ही अपना फुल गाने वाने सुनने में मस्त हो रखा है, चुपचाप से ना नहीं नहीं चाकू नहीं मारना, रुक जाओ, बेसबॉल बैट निकाल दे। इस बंदे का बेचारे का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, बट अभी मेरे को पता है गड़बड़ क्या लग रही है। अगर उस बंदे ने यहाँ पर शोर करा है ना तो सीधी सी बात है किसी ना किसी को पता तो चलेगा। फिलहाल यहाँ पर मैंने इसकी सीधा ना मुंह पे बेसबॉल बैट मार दिया है, उम्मीद है तू जल्दी ठीक हो जाएगा, बट कोई नहीं, फिलहाल के लिए ना इसको बेहोश करना ही पड़ेगा। रुक जाओ एक आध बैट और मार देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि इसे थोड़ी देर में ही होश आ जाए। रुक जाओ एक और ले तू रख के, हड्डी पसली तोड़ देंगे ताकि आज ये शो ना कर पाए, ठीक है। तो बस तू निकल यहाँ से, अब जो वीआईपी एक्सेस है गाइस वो हमारी होने वाली है, तो चलो बस निकलो यहाँ से। अब हम पूरा डीजे बनकर वहां पर जाएंगे शो करने के लिए और बिग माफिया का खेल खत्म करेंगे। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल जल्दी से ना हम लोग यहाँ से बाहर निकल लेते हैं। बाकी यार अभी ना फिलहाल यहीं से एक, ओ एक सेकंड भाई साहब ऊपर तो काफी सारे बंदे हैं, बट रुक जाओ तुम्हारी ऐसे क्यों मारोगे, अब मेरे घर में रह रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम्हारी सिक्योरिटी भी तगड़ी है। एक सेकंड, ओ भाई भाई यहाँ पर सच्ची में सिक्योरिटी मेरे को तगड़ी तो लग रही है, पीछे से भी काफी सारे बंदे आ चुके हैं, बट यहाँ पर मैंने इन सबको डाउन कर दिया, चलो ठीक है। ओ भाई एक सेकंड, यहाँ पर एक बंदा हो रहा है, निकल यहाँ से। मैं किधर से आया था इस घर के अंदर मैं भूल गया, मैं आया तो नीचे वाले फ्लोर से था, बट अभी मेरे को नहीं पता मैं ऊपर वाले फ्लोर पर क्या कर रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ से हमें नहीं जाना है, एक काम करता हूँ गाइस यार जल्दी से ना हम लोग यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। सामने की तरफ में ना यहाँ पर एक गेट हो रहा है, जल्दी से चलते हैं इसके अंदर। और ये शायद से ना इनका गैराज है, और भाई यहाँ तो खड़ी हुई है रेंज रोवर। ओ एक सेकंड, रेंज रोवर छोड़ो, लेफ्ट साइड में खड़ी हुई है लंबोर्गिनी टैर्ज़ो। ओ भाई साहब ये तो बंदा ना सच्ची में कुछ ज्यादा ही अमीर था। ओ भाई ये स्टार्ट भी होगी, चलो ठीक है, मुझे लग रहा था खराब है क्योंकि स्टार्ट होने में बहुत टाइम लग गया। बिना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी यहाँ से लेकर बाहर आ चुका हूँ, बट एक सेकंड गाड़ी में गोली मत मारो, इनको मारना पड़ेगा। काफी सारे ना बंदे यहाँ पर आ चुके हैं, बट भाई सच्ची में इस बंदे के पास तो एक से एक लग्जरी कार्स भी हैं। तो जाओ पहले ना यहाँ पर इसका मेरे को मुंह तोड़ना पड़ेगा। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल यहाँ पर एक नहीं दो नहीं काफी सारे बंदे आ चुके हैं, और यार अभी ना मेरे को हेल्प चाहिए होगी इस टाइम पर अंडरवाटर माफिया की, वरना यार इधर तो कुछ ज्यादा ही बड़ी गड़बड़ जाएगी। अभी ना जल्दी से ये वाली मैं गन निकाल लेता हूँ जो कि मुझे बिग माफिया के गार्ड से मिली थी, इससे ना ये सारे के सारे गंदी तरह मरने वाले हैं। और इस टाइम पर ना अंडरवाटर माफिया भी यहीं पर आ चुका है, और गंदी तबाही ये मचा रहा है। एक सेकंड, यहाँ पर सब बंदों को भी गंदा वाला मारेंगे, गन बहुत हैवी है, जब चलती है ना तो बंदे बहुत गंदी तरह मरते हैं। अभी एक सेकंड यार, इतनी सारी बुलेट्स तो मैंने अपनी लंबोर्गिनी टैर्ज़ो पे मार दिया है, इस गाड़ी को भी ब्लास्ट करेंगे, तो इस गाड़ी को भी ब्लास्ट करना बंद है। निकलो यहाँ से, तो जल्दी से ना इस वाली अपनी लंबोर्गिनी टैर्ज़ो में बैठते हैं और फटाफट यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ी देर में पुलिस भी आने वाली है। बाकी लंबोर्गिनी टैर्ज़ो भाई पूरी पूरी हालत खराब हो चुकी है, तो अभी ना फिलहाल जल्दी से मुझे अपनी गाड़ी को लेकर ना यहाँ से निकलना पड़ेगा। सामने वाला जो गेट है ना वो इन्होंने शायद से पूरा लॉक कर रखा है, खोलो वाला गेट। ओ भाई भाई पूरा गेट ही लॉक है, और पीछे से भी ना
काफी सारे बंदे आ गए, तो उनको भी साथ के साथ में मारने वाला हूँ। माउंटेन से उतर उतर कर आ रहे हैं चार पांच बंदे, तो उन सबको मैंने मार दिया है। और अभी हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से बाहर कहाँ से निकलेंगे, मैं खुद तो बाहर निकल जाऊंगा, बट इस गाड़ी को लेकर यार यहाँ से चलना है। काफी ज्यादा महंगी कार है भाई ये, पता नहीं इस बंदे के पास कैसे थी। फिलहाल रुक जाओ, 3, 2, 1 लेट्स गो। जल्दी से निकाल अपनी गाड़ी को, मुझे यहीं से जंप कराना पड़ेगा। ओ भाई बस 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 ब्रेक लग जा। ओ भाई इतनी आसानी से ब्रेक नहीं लगने वाली इस गाड़ी में। लेट्स गो गाइस, फिलहाल जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ आ चुके हैं। जल्दी से हाईवे पकड़ना है एंड फटाफट से यहाँ से निकलना है। जो चीज़ मैं नहीं चाहता था कि फाइट हो वो हो गई, बट अच्छी बात है कि काम जल्दी से जल्दी निपट गया क्योंकि हमने गाड़ी ले ली और फटाफट वहाँ से निकल गए। और यहीं पर अभी फाइट लेने में लगते तो बहुत टाइम चले जाता। जल्दी से लेस्टर को कॉल करके बताता हूँ कि काम हो गया है और अभी आगे क्या करना है जल्दी से बताए। तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से कॉल पे बात हो चुकी है और गाइस लेस्टर कह रहा है कि ना तुम लॉस सैंटोस वापस मत आओ, जल्दी से ना अपनी गाड़ी को लेकर निकलो सीधा स्क्रैप यार्ड में, जो कि ट्रेवर के ना गांव के पास में बहुत ज्यादा बड़ा है। तो लेस्टर कह रहा है वहां से ना कोई भी पुरानी सी वैन उठा लेना, उस वैन के अंदर ना हमें बहुत तगड़ी मॉडिफिकेशन करवानी है बैनी से, मतलब एक टाइप से ना उसमें हमें पूरा डीजे बनवाना है ताकि जहाँ पर हम शो करने जाएंगे ना उनको लगे कि हम लोग रियल डीजे हैं, कोई फेक डीजे नहीं है। बाकी इस रास्ते से मैं आगे नहीं जाने वाला क्योंकि वहां पर अभी भाई बहुत गलत सीन हो रखा होगा, पुलिस वगैरह पहुंच गई होगी। अभी दूसरे रास्ते से लॉन्ग कट से जाएंगे बट अभी जल्दी से जाना पड़ेगा। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी लैम्बोर्गिनी टायर्स को लेकर सीधा स्क्रैप यार्ड पे पहुंचने वाला हूँ। बस मुझे आगे वाले कट से अपनी गाड़ी को लेफ्ट मोड़ना है। तो चलो अभी जल्दी से यहाँ से अपनी गाड़ी को लेफ्ट मोड़ते हैं, आगे वाले कट से मोड़ लेते हैं राइट में। और इस टाइम में मुझे काफी ज्यादा हंसी आ रही है क्योंकि यार इस गाड़ी की आप लोग एक बार ना ग्राउंड क्लियरेंस देखो कितनी कम है और इसको मैं कैसे से रास्ते पे चला रहा हूँ और ये ऊपर ना ढंग से चढ़ भी नहीं पा रही है। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ये जो टायर जो है ना ये अपनी हो चुकी है, इसको भी जितना मर्जी तोड़ फोड़ देते हैं, बाद में इसको ना बैनी से रिपेयर करवा लेंगे फिर थोड़ा तमीज में चलाएंगे। अभी फिलहाल मैं इसको यहाँ पर तो लेकर पहुंच चुका हूँ और ये आ गया अपना स्क्रैप यार्ड। तो अभी जल्दी से ना अपनी गाड़ी को मैं यहीं पर खड़े करता हूँ एंड फटाफट से ना कोई भी एक वैन ढूंढ लेते हैं जो कि ना मतलब ठीक ठाक हालत में हो, जिसको हम लोग एकदम जल्दी से मॉडिफाई भी कर पाए। तो अभी वैसे मैं नहीं करूँगा, करेगा तो बैनी। बाकी यहाँ पर एक ही वैन तो खड़ी है बट ये काफी ज्यादा बेकार है और इधर ना इसी टाइप की काफी सारी गाड़ियां हैं, A to Z गाड़ियां जितनी भी ब्लास्ट हो जाती है क्रैश हो जाती है सारी इधर मिलती है। ये देखो प्लेन तक इधर पड़ा हुआ है, तो सोच लो आप क्या क्या इधर मिल सकता है। तो गाइस देखो बिना फिलहाल इतनी देर तक ढूंढने के बाद अब जाकर हमें कोई ढंग की गाड़ी मिली है जिसको ले जाकर हम लोग ना बैनी से मॉडिफाई करवा कर एक बढ़िया सा ना डीजे ट्रक बना सकते हैं। लेकिन यार ये लोग ना इस गाड़ी को बेचने से मना कर रहे हैं, कह रहे कि कोई और बंदा इसे खरीद चुका है और वो अपना ट्रक लेकर आ रहा है इसको ले जाने के लिए। और एक सेकंड उसकी ऐसी की तैसी यही है शायद से वो जो ट्रक लेकर आया। अभी फिलहाल इसको पहले तो कूटना पड़ेगा, तू पहले बाहर निकल, इसको भी लपेटेंगे साथ के साथ इनको भी मारेंगे, इन्हें हमें बेचने से मना कर रहे थे ना। और बाकी तुम लोग इधर आओ अपना निकल यहाँ से। और अभी फिलहाल ये लोग भी हमसे पिटने वाले हैं भाई, हमें मना करोगे गाड़ी देने से, भगता हुआ जा रहा है भाई। रुक जाओ, अंडर वाटर माफी ने उसके ऊपर सीधा फायर कर दिया क्योंकि उसने उसके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया था। फिलहाल पहले इसके रख रखे पड़ेगी, निकल यहाँ से। अभी हम लोग फ्री में लेकर जाने वाले हैं इस गाड़ी को, पहले हम सोच रहे थे पैसे भी देंगे बट अभी हम लोग फ्री में ले जाने वाले हैं। और बाकी यार यहाँ पर ना हमें साथ के साथ टो ट्रक मिल गया, हमें कहीं पर भी दूर जाना नहीं पड़ेगा। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने अंडरवाटर माफिया को बोल दिया कि तू जल्दी से जाकर अपनी जो लैम्बोर्गिनी टायर्स है उसको उठा ले और ये जो टो ट्रक है ना इस समय फटाफट से इस वाली प्रिजन बस को, सॉरी प्रिजन बस ही है वैसे ये, तो अभी ना जल्दी से इस वाली प्रिजन बस को ना हम लोग इससे अटैच करते हैं एंड फटाफट से ना लेकर चलते हैं अपने शोरूम में। अपना शोरूम भी यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। बाकी यहाँ पर ना किसी ने फायर करा, मेरे को पता क्या लग रहा है उत्तरी वहाँ पर और भी काफ़ी सारे जो बंदे आ गए हैं, मेरे को वहाँ पर पहले देख कर आना पड़ेगा। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं, अंडरवाटर माफिया अकेले संभाल लेगा, दो तीन गुंडे और बचे थे शायद से उसने फायर करके उन्हें भगा दिया। और एक सेकंड बस रुक जा भाई। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग अपने टो ट्रक को ना प्रिजन बस से अटैच कर देते हैं। तो अभी थोड़ा बहुत इसको मेरे को पीछे लेकर चलना पड़ेगा। बाकी यार ये जो बस है ना मेरे को काफी ज्यादा हैवी लग रही है, ये वही वाली बस है जिसके अंदर जितने भी जेलर होते हैं उनको बैठा कर लिया जाता है। रुक जाओ, ओके अभी फटाफट से यहाँ पर मैंने इसे अटैच कर लिया है, बस ये ना धीरे धीरे कर आगे आगे चल रहे, बाकी इसको गाड़ी हटानी पड़ेगी पहले। ओके तो चलो ठीक है, अभी फिलहाल इसने अपनी गाड़ी जो हमारे पीछे पीछे लगा लिया है, अभी जल्दी से ना अपनी ये वाली बस को लेकर यहाँ से निकलना थोड़ा बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि जो टो ट्रक है ये तो उसे फुल स्पीड में खींच रहा है बट ये जो बस है ना भाई ढंग से चलने का नाम ले रही है। तो चलो गाइस, फाइनली इस प्रिजन बस को टो करते करते फाइनली हम लोग लेकर पहुंच चुके हैं सीधा से अपने शोरूम में। तो अभी जल्दी से इसे लेकर चलते हैं बैनी के पास एंड बैनी से मॉडिफाई कर देगा पूरा का पूरा। तो अभी एकदम आराम आराम से मुझे यहाँ से इसे मोड़ना पड़ेगा। बाकी अपने शोरूम का जो मतलब रास्ता है ना वो इतना ज़्यादा चौड़ा है कि अगल बगल से भी ऐसे चार ट्रक निकल सकते हैं, तो इसे ले जाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी हाँ पूरे रास्ते में बहुत दिक्कत आई है। तो चलो गाइस, फाइनली इसे हम लोग लेकर पहुंच चुके हैं सीधा अपने शोरूम में। तो अभी
जल्दी से मैं इसे आगे ले जाकर खड़ा कर देता हूँ। बाकी यार मेरे को यहाँ पर बैनी भी नहीं नजर आ रहा और साथ ही कोई गाड़ी भी इधर नजर नहीं आ रही है, तो चलो कोई नहीं, एक बार जल्दी से हम लोग बैनी को कॉल लगाकर पूछते हैं आखिरकार वो कहाँ पर है। तो ओके गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, फिलहाल बैनी अपनी टीम मेंबर के साथ यहाँ पर ऑलरेडी हमारा वेट कर रहा था, क्योंकि इसको लेस्टर ने बता दिया था कि हम लोग यहाँ पर एक बस लेकर आ रहे हैं रिपेयर करवाने के लिए। तो अभी ना फिलहाल ये लोग तो अपना बस को रिपेयर करने में लग गए हैं और ये कह रहे हैं कि भी कम से कम आधा घंटा इसमें लगेगा और ये फुल स्पीड से काम करेंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ पर अंडरवाटर माफिया भी अपनी गाड़ी लेकर आ चुका है लंबोर्गिनी टायर, तो ये हम लोग यहीं पर छोड़कर जाने वाले हैं। अभी इंतजार करते हैं इसके रिपेयर होने का। और अभी इस टाइम पर टाइम हो रहा है भाई 5:30 बज चुके हैं, 6 बजे में वहां पर पहुंचना था, अभी अपने पास ज्यादा टाइम नहीं, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो चलो गाइस फाइनली पूरे के पूरे आधे घंटे बाद बैनी एंड उसके टीममेट ने मिलकर इस बस को पूरा का पूरा मॉडिफाई कर दिया। अभी फिलहाल इसके अंदर आपको काफी सारी कमी लग रही होगी, बट वो कमी नहीं है, एक फंक्शन है इसके अंदर जो कि हमने ऑफ कर रखा है। जैसी बस बाहर निकाल के मैं उसे ऑन करूंगा ना, तब आपको ये जो बस अब बहुत ज्यादा तगड़ी लगने वाली है। अभी फिलहाल यहाँ पर फ्रैंकलिन एंड ड्राइवर भी यहाँ पर आ चुके हैं। अभी ना फिलहाल देखो लेस्टर ने हमें ये बोला कि जल्दी से ना तुम तीनों इस बस को लेकर मिलिट्री बेस पहुंच जाओ और अंडरवाटर माफिया ना यहीं पर रुकेगा लॉस सैंटोस लेस्टर के साथ उसकी सेफ्टी के लिए। और हाँ गाइस, वहां पर ना फ्रैंकलिन ही मेन शो करने जाएगा डीजे पे इस बस में बैठ के, बाकी ट्रेवर और मैं पीछे से ही बस नजारा देखेंगे और बिग माफिया के भाई को मारने की पूरी प्लानिंग को फॉलो करेंगे। अभी फिलहाल ना जल्दी से मैंने अपनी बस को बाहर निकाल लिया है। अभी ना फटाफट से गाइस यार वो वाला जो फंक्शन है ना उसको मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो ओके गाइस, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल जो अपनी बस है देखने में कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। ऊपर की तरफ में एक स्टेज आ चुका है जिसमें काफी सारे स्पीकर्स भी लगे हुए हैं और इसी स्टेज पर फ्रैंकलिन शो करने वाला है। तो चलो यार अभी ना फिलहाल इसको ऑफ करते हैं एंड जल्दी से अपनी बस को लेकर चलते हैं मिलिट्री बेस, क्योंकि वहां पर एक हेलीकॉप्टर है जिसके थ्रू हमें जाना है शिकागो। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर फ्रैंकलिन एंड ट्रेवर भी अपनी बस के अंदर आकर बैठ चुके हैं। और गाइस यार आज तो ना फ्रैंकलिन ने अपना पूरा का पूरा ना भाई बेस ही बदल रखा है, क्योंकि यार इसको ना वहां पर एक टाइप से सेलिब्रिटी जैसा ही दिखना है, तो ये दिख तो पा नहीं रहा था, इसलिए इसने अपने फेस पर मास्क लगा लिया एंड ग्लास लगा लिया आई के ऊपर, ताकि इसकी जो शक्ल है बिल्कुल भी पहचान में ना आए। तो चलो यार अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग निकलते हैं सीधा मिलिट्री बेस के लिए। और वहां पर ना कोई हेलीकॉप्टर होगा, पता नहीं कौन सा हेलीकॉप्टर है, मुझे तो नहीं पता कि ऐसा कौन सा हेलीकॉप्टर है जिसके अंदर अपनी बस आ सकती है। इतना मुझे पता है कार्गो प्लेन आ सकता है, बट मतलब कि कार्गो प्लेन में बस जा सकती है, बट कार्गो प्लेन से हम लोग जा इसलिए नहीं रहे क्योंकि कुछ पता नहीं है वो जो फेस्टिवल जहाँ हो रहा है वो शिकागो की कौन सी जगह पर है और एयरपोर्ट वहाँ से कितना दूर होगा, तो इसलिए कुछ नहीं मालूम, हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो जहाँ पार्टी हो रही होगी वहीं पर लैंड करा देंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। तो चलो कोई नहीं, जल्दी से निकलते हैं सीधा मिलिट्री बेस। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी बस लेकर सीधा मिलिट्री बेस पहुंचने वाला हूं। बाकी यार इस टाइम ना मिलिट्री कर्नल और लेस्टर ने हमें साफ साफ बोल दिया है कि हमें ना इस टाइम पर बिग माफिया के भाई को पकड़ने में कोई भी चूक नहीं करनी, मतलब मेन जिम्मेदारी ट्रेवर और माइकल के, क्योंकि फ्रैंकलिन तो फुल शो करने वाला है, तो मेन काम हमारा है, हमें कुछ भी करके उसे पकड़ कर लाना है चाहे वहां पर कितनी भी सिक्योरिटी हो, क्योंकि अगर इस बार हम लोग उसे पकड़ नहीं पाए तो ऑलरेडी हमने उसके ऊपर एक बार अटैक कर दिया है और दूसरा अटैक ये हो जाएगा तो सारा काम, सॉरी मैंने गलती से उसको मार दिया, तो वैसे ना टोटल उसके ऊपर 2 अटैक हो चुके हैं और तीसरा अटैक जहां उसके ऊपर हो गया तो सीधी सी बात है या तो वो नॉर्थ यंगटन भाग जाएगा या फिर घर में घुस के सबको मारेगा, ऐसा ही कुछ होने वाला है। अभी फिलहाल हम लोग मिलिट्री बेस तो पहुंच चुके हैं, बट उन्होंने कहा था कि तुम जैसे एंटर हो गए तुम्हें हेलीकॉप्टर नजर आ जाएगा, बट यहाँ पर तो कोई हेलीकॉप्टर है ही नहीं, मेरे को लग रहा है कि हमें यहाँ पर भाई सब इतनी ज्यादा बंदे घूमते हैं पर शाम को मिलिट्री बेस आना तो बड़ा ज्यादा खतरनाक है, मतलब कि दिन में तो फिलहाल इतनी सिक्योरिटी मतलब इतने गार्ड्स नहीं दिखते, बट शाम के टाइम में कुछ ज्यादा ही गार्ड है। जल्दी से यहाँ पर मैं सीधा इसे मेन एयरलाइन पर लेकर चलता हूँ, वहीं पर शायद हेलीपैड भी होगा। बाकी एक मिनट, कौन सा हेलीकॉप्टर, ओके तो ये हेलीकॉप्टर आ रहा है स्काई लिफ्ट, तो इसी के थ्रू शायद से अपनी ये जो ट्रक है ना इसमें क्या होता है ना गाइस, नीचे एक मैग्नेट होता है, उसी मैग्नेट से अपने वाला जो ट्रक है ना अटैच हो जाएगा। तो चलो ठीक है, अभी फिलहाल अपने ट्रक को हमें किसी ओपन फील्ड में रखना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये तभी अटैच हो पाएगा, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा। अभी जल्दी से ना अपने ट्रक को हम लोग यहाँ पर खड़ा कर देते हैं एंड फटाफट से चलते हैं सीधा इस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठने के लिए। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर फ्रैंकलिन को मैंने इसी में बैठे रहने के लिए बोल दिया, बाकी ट्रेवर और मैं यहाँ से बाहर आ चुके हैं। अभी ना जल्दी से चलते हैं सीधा इस हेलीकॉप्टर के अंदर एंड फटाफट से इसे उड़ाते हैं। बाकी यार आज से पहले मैंने कभी भी इस हेलीकॉप्टर को नहीं उड़ाया, बट एक बार पहले मैंने काफी टाइम पहले देखा था, पर मुझे पता नहीं था ये हेलीकॉप्टर किस लिए यूज होता है, बट अभी फिलहाल आज मेरे को पता चल चुका है भाई कितना ज्यादा बड़ा हेलीकॉप्टर है, एक मिलिट्री कार्गो प्लेन के बराबर इसका साइज है, मतलब कि ये भी आपको इतना ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा होगा, बट इसको अगर मैं किसी नॉर्मल हेलीकॉप्टर के साथ, वो देखो सामने वो जो प्लेन है ना उससे भी बड़ा ही लग रहा है इस टाइम पर। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर इसको थोड़ा सा उड़ाते हैं। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैं इसको अपनी बस के ऊपर तो लेकर आ चुका हूँ, अभी जल्दी से ना इसको अटैच भी मैंने कर लिया है। लेट्स गो गाइस, अभी ना फिलहाल हमने अपनी बस को भी इधर से अटैच कर लिया है। तो चलो यार अभी ना फिलहाल जल्दी से इसको लेकर निकल लेते हैं सीधा शिकागो के लिए। वैसे गाइस यार सच्ची में ये जो हेलीकॉप्टर है ना बहुत ज्यादा ही तगड़ा है, मतलब कि मुझे लग नहीं रहा था इतनी ज्यादा आसानी से बस को उड़ा लेगा भाई, लेकिन ये ना अभी ऐसी चार
बस और उड़ा सकता है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। तो चले कोई नहीं, अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी से निकलते हैं सीधा शिकागो के लिए। और अभी मुझे नहीं पता कितना टाइम लगने वाला है, बस जो लोकेशन लेसर ने दिया उसी लोकेशन की तरफ मैं मूव करे जा रहा हूँ। तो चलो गाइस, फाइनली मैं अपने हेलीकॉप्टर को लेकर पूरे के पूरे 2 घंटे बाद शिकागो पहुंच चुका हूँ। और गाइस इस टाइम पर ना इधर इतनी ज्यादा स्नो पड़ी हुई है ना, मैं क्या बताऊँ। अभी फिलहाल हमें थोड़ा बहुत और आगे जाना है, क्योंकि लेसर ने कहा है कि तुम सीधा सिटी में जाओ, यहाँ पर मत उतरना, वरना वहां जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। पूरे रास्तों में स्नो है, काफी सारे रास्ते तो मेरे हिसाब से ब्लॉक भी हो रखे हैं। तो चलो गाइस, फाइनली हम लोग यहाँ पर शिकागो की मेन सिटी में भी पहुंच चुके हैं, जिसे हम लोग कहते हैं विंडी सिटी। अभी ना जल्दी से गाइस हमें यहाँ पर अपने हेलीकॉप्टर को नीचे उतारने के लिए एक कोई ना चौड़ा सा रोड ढूंढना पड़ेगा। वैसे मुझे मालूम है कि काफी सारी छत है, वहां पर हम लोग इसे उतार सकते हैं, इजिली लैंड हो जाएगा। बट सीन कुछ ऐसा है कि इस टाइम पर ना हमें अपने हेलीकॉप्टर के जो नीचे वैन अटैच कर रहे हैं ना, इसको भी तो डिटैच करना है रोड पर। वाकई वो देखो सामने वाली बिल्डिंग पर लिखा हुआ है 2021। भाई इधर लग रहा है कुछ ज्यादा ही तगड़े तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है न्यू ईयर और क्रिसमस। वैसे क्रिसमस तो इन लोगों ने ऑलरेडी सेलिब्रेट कर लिया होगा, बट हाँ यहाँ पर ना काफी सारी बिल्डिंग्स पे अभी भी वो क्रिसमस वाली लाइट्स लगी हुई है। तो चलो कोई नहीं, फिलहाल ना जल्दी से अपने हेलीकॉप्टर को यहीं पर उतार लेते हैं। ले ले भाई, पहले तो अपनी गाड़ी आराम से पहले इनको गाड़ी निकाल लेने देते हैं। और मुझे नहीं पता यहाँ की पुलिस ज्यादा स्ट्रिक्ट है या फिर नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना हेलीकॉप्टर उतारूं और आकर सीधा अरेस्ट ही कर ले। वैसे गाइस सर, अभी ना फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, इस हेलीकॉप्टर को रोड पर लैंड करवाने से बढ़िया ना ये जो सामने एरिया है यहाँ पर लैंड करवा देते हैं। यहाँ पर कोई गाड़ी वाड़ी आएगी नहीं, तो हमें उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल जल्दी से इसे कर देते हैं डिटैच। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने अपने हेलीकॉप्टर को लैंड करा के इसका जो मैग्नेट है वो ऑफ कर दिया। और गाइस अभी ना फिलहाल इस शहर में घूम के मैं ये भी चेक करने वाला हूँ कि आखिरकार वो जो पार्टी का इवेंट है वो कहाँ पर हो रहा है। तो चलो यार, अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग अपनी बस के अंदर बैठते हैं। डिटैच मैंने इसे ऑलरेडी कर दिया, तो उम्मीद है ये आराम से निकल जानी चाहिए। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर ड्राइवर भी अपना अपनी बस के अंदर आकर बैठ चुका है। जल्दी से मैं इसको एकदम आराम से ना पीछे की तरफ में निकाल लेता हूँ। ओके लेट्स गो, आराम से मैंने अपनी बस को यहाँ से बाहर निकाल लिया है। वी फटाफट से गाइस इसको मोड़ लेते हैं एंड जल्दी से ना इस बस को मैं वहाँ पर लेकर जाना है जहाँ पर उस पार्टी का इवेंट चल रहा है। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो इधर कितना ज्यादा बढ़िया नजारा। वैसे इतना भी कोई खास नजारा नहीं है, मतलब पूरे में तो बर्फ पड़ी हुई है, लाइट भी इतनी ज्यादा जल नहीं रही, बट हाँ अच्छे से ना सजा रखी है काफी ज्यादा जगह। तो गाइस देखो, भी ना फिलहाल शिकागो सिटी में अपनी गाड़ी भगाते भगाते मुझे पूरा का पूरा 1 घंटा हो चुका है, लेकिन यार अभी तक मुझे कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली है जहां पर कोई पार्टी इवेंट चल रहा हो। लेकिन गाइस सर एक सेकंड, यहां पर कुछ ज्यादा लाइट्स नहीं चल रही है। एक बार रुको, पहले ना एक बार आगे चलकर देखते हैं। मुझे पता है क्या लग रहा है कि पार्टी वगैरह ना शायद यहीं कहीं पर हो रही है। बाकी यार यहाँ पर तो मेरे को ओके गाइस, मेन इवेंट हो रहा है राइट साइड में। तो चलो गाइस फाइनली हमें वो जगह मिल गई है। बट एक सेकेंड, अभी ना मेरे को ये सीन समझ नहीं आ रहा कि जब तक डीजे वाला पहुंचा ही नहीं तो इन्होंने यहाँ पर नाच गाना कैसे शुरू कर दिया। अपना लग रहा है खुद का म्यूजिक ये लोग यहाँ पर बजा रहे हैं। तो भाई साहब काफी ज्यादा तगड़ा इवेंट है। तो जैसा लेस्टर ने कहा था, हम लोग सेम टू सेम वैसे ही करने वाले हैं। उसने हमें साफ बोला था कि तुम लोग ना वहां पर जाकर अपना पूरा का पूरा ना बेस बदल लेना, ताकि ये लोग तुम्हें बिल्कुल भी पहचान ना पाए। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बिग माफिया के जो गार्ड्स हैं ना वो हमें पहचान ले और फिर सब लोग अलर्ट हो जाएं। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर बस में बैठ के मैंने अपना पूरा का पूरा भेस बदल लिया है। इस टाइम पर आपको ये माइकल नहीं कोई बहुत ही ज्यादा एज का आदमी लग रहा होगा। तो अभी ना फिलहाल बस मैं यहाँ से सीधा जाने वाला हूँ। जो मेन गेट पे गार्ड्स खड़े हुए ना, उनसे बस मेरे को ये पूछना है कि आखिरकार ये जो अपने डीजे वाली बस है ये स्टेज तक कैसे पहुंचेगी, ताकि हम लोग जल्दी से फ्रैंकलिन को वहां पर भेजें और यहाँ का जो शो है वो स्टार्ट हो। वैसे शो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मुझे जहां तक लगता है ना हम लोग काफी ज्यादा लेट हो गए हैं। बाकी तो अभी फिलहाल यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर बिग माफी के जो गार्ड्स हैं वो भी माइकल को पहचान पाएंगे। बट यहाँ पर कोई भी उसका गार्ड नजर नहीं आ रहा, और वैसे भी यहाँ पर कोई ज्यादा सिक्योरिटी है नहीं। चलो इससे बात करते हैं। तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर इस गार्ड से बात हो गई, और गाइस इसने ना मेरे को यहाँ पर अंदर जाने की परमिशन दे दिया है। और साथ ही ना इसने अपने बाकी गार्ड्स को फोन करके ये बोल दिया है कि यहाँ पर वो जो डीजे वाली बस है आ चुकी है, जल्दी से ना उसे स्टेज पे पहुंचवाओ। तो अभी फिलहाल मेरा कोई काम नहीं है, बस अपनी वहीं पर खड़ी है, इन्हीं का एक बंदा आएगा और उसे स्टेज तक छोड़ कर आएगा अपनी बस को। अभी फिलहाल ना जल्दी से हम लोग ना यहाँ से अंदर चलते हैं। बाकी तो यार इधर ना कुछ ज्यादा ही तगड़ी पार्टी चल रही है भाई, म्यूजिक बहुत तेज बज रहा है। अभी साइड से मैं, भाई ये बूढ़े आदमी की इज्जत कर लो यार, ये हटा दो बीच रास्ते से। चलो कोई नहीं, फिलहाल मैं यहाँ पर खड़ा हुआ डांस करता हुआ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगूंगा, इसलिए काम करता हूँ चुपचाप से ना यहाँ पर साइड में खड़े हो जाता हूँ, वो ज्यादा बेटर है। बाकी यार स्टेज पर ना बहुत तगड़ा ही डांस चल रहा है। तो ओके गाइस, यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल फ्रैंकलिन अपनी बस को लेकर स्टेज पर पहुंच चुका है और यहाँ पर ये जो शो है स्टार्ट हो गया है। भाई जितने भी डांसर्स हैं ना वो भी अपना फुल लगे हुए हैं डांस करने में। और यहाँ पर ये जो गार्ड है ना गाइस, ये कह रहा था कि जैसे ही शो स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर VIP आएंगे, बट अभी तक फिलहाल मेरे को यहाँ पर कोई भी आता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। ओके गाइस, यहाँ पर ना एक रेंज रोवर तो आई है, और जहां तक मुझे लग रहा है ये शायद से ना गाइस बिग माफिया के भाई की है। और यहाँ पर ओके, तो 2 रेंज रोवर आ गए, अब तो मैं 100% श्योर हूँ कि इस टाइम पर ना गाइस वही आया।
है एक बारी ना, मैं पहले थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ क्योंकि कोई पहचाने ना पहचाने, लेकिन यार ये जरूर पहचान जाएगा वो देखो भाई। तो ओके गाइस, जैसा कि मुझे लगा ही था, यहाँ पर ना सारे के सारे बिग माफिया के भाई के जितने भी गार्ड्स हैं ना बाहर निकल कर आ चुके हैं, और इस टाइम पर ना इन्होंने मतलब ऐसे रास्ता बना लिया कि मतलब कोई छू भी नहीं सकता उसको बीच रास्ते में। अभी फिलहाल वो यहाँ पर चलता हुआ आ रहा है, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ क्योंकि अगर अभी इसने मेरे को पहचान लिया ना तो इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी कि आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। अभी फिलहाल ना इसको यहाँ से अंदर जाने देते हैं, इसका एक गार्ड ही इसके साथ जा रहा है, बाकी जो गार्ड है ना यहाँ पर देखो कैसे खड़े हुए थे पूरा रास्ता बनाकर। अभी फिलहाल भाई देखो वीआईपी आदमी है इसलिए इसके रास्ता अलग से बना दिया भाई, इतनी जल्दी पूरे बैरियर वगैरह लगा दिए। उस टाइम पर ये जो आगे वाले सोफे है ना वहां पर जाकर बैठने वाला है। तो गाइस देखो बिना फिलहाल बिग माफिया का भाई पीछे जाकर वीआईपी सीट पर बैठ चुका है, और उसके साथ में ना गाइस अभी एक और वीआईपी मेंबर आकर बैठा है, और मुझे लग रहा था कि ये डगन बॉस है, बट डगन बॉस नहीं है पर उसके जैसा उसका छोटा भाई जरूर लग रहा है। अभी ना फिलहाल मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ से बिग माफिया के भाई को कैसे किडनैप करूंगा क्योंकि दो गार्ड्स तो उसके एकदम पीछे खड़े हुए हैं, और यहाँ पर सिक्योरिटी वैसे ज्यादा तो नहीं है बट पब्लिक बहुत ज्यादा है यहाँ पर, तो कोई भी मेरे को ये काम करते हुए देख सकता है क्योंकि सबकी नजर उस पर भी है। वैसे नहीं, उस पर किसी की नजर नहीं है, सबकी नजर इस टाइम पर ऊपर जो डांस चल रहा है और फ्रैंकलिन का डीजे, उन दोनों पर है। तो अभी ना फिलहाल एक काम करता हूँ, पहले ना मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, और ये स्नोफॉल हो रही है, बारिश हो रही है भाई, यहाँ शिकागो का मौसम ही एकदम अलग है भाई, कभी भी बारिश शुरू हो जाती है और अभी ये बंद भी हो जाएगी थोड़ी देर में। बाकी यार वो देखो बाहर की तरफ में कैसे इसके गार्ड्स खड़े हुए हैं। तो अभी वापस मैं अभी बाहर तो मैं नहीं निकल सकता क्योंकि अगर मैं बाहर निकल गया ना मुझे पक्का पता है इसके गार्ड्स मुझे अंदर नहीं आने देंगे। तो अभी ना फिलहाल इसीलिए मैं चुपचाप से ना यहाँ से साइड निकल लेता हूँ। बाकी यार देखो इस बंदे को यहाँ पर कौन सी बीमारी हो रखी है, पार्टी अंदर चल रही है, ये भाई साहब जो डांस बाहर आकर कर रहे हैं, शायद से इसको इनवाइट नहीं किया होगा, ये बाहर से अंदर आया। और एक सेकेंड, अगर ये बाहर से अंदर आया तो मैं भी तो अंदर से बाहर जा सकता हूँ, तो यहाँ से रास्ता है बाहर निकलने का। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ से बाहर निकल सकता था, लेकिन यार उस तरफ में ना बिग माफिया का बॉडी गार्ड खड़ा हुआ है भाई, मतलब देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ज्यादा गार्ड्स हैं नहीं, बट इधर ना गाइस बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है क्योंकि अभी मैंने ना एक गार्ड इधर भी देखा था, एक नहीं एक्चुअली इधर दो से तीन गार्ड्स हैं भाई, मतलब इधर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है बट छुपा छुपा के लगा रखी है। अभी फिलहाल पाँच छः गार्ड्स तो मेरे को इतने एरिया में ही नज़र आ गए, और भी बाकी पता नहीं कहाँ कहाँ हो गए मुझे नहीं मालूम, बट हाँ अपना भी एक गार्ड है, शायद से आप लोग को पता नहीं होगा ट्रैवर कहाँ पर है, तो वो जो आप सामने देख पा रहे हो ना छत के ऊपर, वो ट्रैवर ही बैठा हुआ है, अभी भी शायद सही से नज़र नहीं आया होगा, अब आपको ढंग से नज़र आ जाएगा। ये जो येलो वाला आप हट देख पा रहे हो ना इसके ऊपर ट्रैवर बैठा हुआ है, लेस्टर ने इसे साफ कमांड दी थी कि ट्रैवर को ना छुप के रहना, अगर कोई भी सिचुएशन खराब होती है ना तब ये सीधा फायर करेगा और यहाँ पर भगदड़ मचवा देगा ताकि हम लोग यहाँ से शांति से निकल पाए। बाकी तीन तीन गार्ड इधर भी हैं। वैसे यार देखो अभी ना फिलहाल अगर हमें बिग माफिया के भाई को किडनैप कर यहाँ से निकलना है ना, तो पहले इसके गार्ड्स को ना एक एक करके ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि अगर सबको एक साथ मारने की कोशिश करूंगा तो फिर काम खराब हो जाएगा, चुपचाप से काम करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। एक काम करता हूँ, सबसे पहले अगर मैंने यार एक तो दिक्कत ये है ना, अगर मैं इस बंदे को मारता हूँ ना तो ये जो बंदा डांस कर रहा है ना कहीं इसको ना पता चल जाए क्योंकि गोल गोल घूम के डांस कर रहा है, और अगर इसने मेरे को मारते हुए देख लिया ना तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो सकती है। वैसे गाइस यार अभी ना फिलहाल मेरे पास एक मस्त आइडिया है क्योंकि मेरे पास गाइस यार एक ना स्टन गन है, अभी फिलहाल उस बंदे ने मेरे को देखा नहीं है, और यार बाहर की तरफ में भी दो तीन गार्ड्स खड़े हुए हैं। अभी फिलहाल मैंने अपनी स्टन गन निकाली है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका है, मैं सिर्फ इसके ऊपर एक ही बार फायर करूंगा, अगर ये स्टन हुआ डाउन हुआ तो ठीक है, वरना फिर समझ लो यहाँ पर बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है। तो 3, 2, 1 लेट्स गो। अभी साइड से चलते हैं चुपचाप से, इसको लगा कोई बुजुर्ग आदमी इसके पास आ रहा है, निकल यहाँ से। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने इसको चुपचाप से मार दिया, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर किसी ने भी मेरे को देखा है। तो अभी ना चुपचाप से हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं, एक बंदा और है सामने की तरफ में, अपनी ना स्टन मैं कम यूज करूंगा, मेरे पास ना एक बहुत तगड़ा टूल है, एक बार इसको देखो भाई देसी जुगाड़ है ये, जब ये बंदे की पड़ेगा ना, है तो ये पत्थर का बट काम ये बहुत ज्यादा तगड़ा करता है, बट सामने से ना कैसे एक बंदा आ रहा है, पहले उसको चले जाने दो, इनको लगेगा कि एक बुजुर्ग आदमी आ रहा है तो मेरे को नहीं लगता ये लोग वैसे भी मेरे को कुछ कहने वाले हैं, बट इनको पता नहीं कि यही बुजुर्ग आदमी अभी इनकी बैंड बजाने वाला है, तेरी निकल यहाँ से, रख के मारा भाई, अभी इनके और मारूंगा, इनके अंदर ना जान कुछ ज्यादा ही होती है, रख रख के मारा। ये देखो इस टाइम पर मेरे टूल की क्या हालत हो गई, पूरा का पूरा लाल हो गया है। तो चलो कोई नहीं, अभी ना फिलहाल हम लोग चुपचाप से दोबारा से एक ओल्ड मैन बन के ना अंदर चलते हैं, एंड इस साइड पर ये जो गार्ड खड़े हैं ना इनको मार के इनका खेल खत्म करते हैं। मुझे ना बस एक चीज का ध्यान रखना है कि मेरी बॉडी पर बिल्कुल भी ब्लड नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ब्लड लग गया ना तो फिर सामने वाले बंदों को ना देखते ही हमारे ऊपर शक होने वाला है, इनको भी लग रहा होगा ये बुड्ढा पागल हो गया है, कभी इधर से उधर जा रहा है फिर दोबारा इधर जा रहा है, और वैसे भी इनको शक तो पहले ही जाना चाहिए था कि मैं पार्टी में आया क्या करने के लिए हूँ। जल्दी से ना गाइस हम लोग अपना हथियार बाहर, एक बंदे को ना स्टन से मारता हूँ, सेम टू सेम ना गाइस वैसे करते हैं जैसे हमने उस तरफ में करा था। तो यहाँ पर एक बंदा इधर से डाउन हो गया, ओके
तो कैसे को बिना फिलहाल मैं इस बंदे को ना स्टन गन नहीं मारने वाला, मेरे पास कुछ स्नो बॉल्स हैं, ये फेंक कर मैं इसको मारूंगा। और अभिना फिलहाल इसकी कुछ ज्यादा तेज पड़ गई क्या, एक सेकंड, ये ना इसको शक हो रहा है, इसको भी समझ नहीं आ रहा किसने मारी है और फोन पे किसको बता रहा है, तेरी ऐसे की तैसी। एक और खा, ओ भाई एक और मैंने इसके फेंक के मार दी, इसको समझ नहीं आ रहा कौन मार रहा है भाई, स्नो बॉल कहाँ से गिर रही है भाई, स्नो बॉल हो रही है थोड़ी महंगी वाली, रुक जाए ना रख के पड़ेगी इसके, निकल यहाँ से। ओ भाई ये इसके कान पे पड़ रही है ना, गिर जा रहा है, और वो देखो उस तरफ में निशाना लगा के देख रहा है भाई कौन मार रहा है पीछे से। एक और खा, बंदू को बताएगा फोन करके, अभी फिलहाल मेरे पास ये खत्म हो चुकी है, रुक जाओ इसको भी स्टन करना ही पड़ेगा वरना ये गड़बड़ कर देगा, चल तेरी ऐसे की तैसे, निकल यहाँ से, इसको भाई बड़ा गंदे वाले परेशान कर रहा है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने इसको एक और स्टन मार देता हूँ, तो चलो ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर कवर ले लेते हैं जल्दी से। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर एक साइड के बॉडी गार्ड्स को मार के मैंने अपने लिए रास्ता तो क्लियर कर दिया है, और अभी ना फिलहाल मैं बिग माफी के भाई की काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुका हूँ। क्लोज क्या पहुंच चुका हूँ, मैं तो उसको यहीं से खड़े खड़े मार सकता हूँ बहुत गंदी तरह, बट अभी ना फिलहाल उसको मारना नहीं है, उसको यहाँ से पकड़ कर ले जाना है। उसके लिए जो बाकी बॉडी गार्ड्स है ना, मुझे उनको भी मारना पड़ेगा। अपनी गन अंदर रख लेता हूँ, इनको मेरे ऊपर शक नहीं होना चाहिए। भाई फिलहाल दोबारा से हम लोग एक ओल्ड मैन बनकर यहाँ से निकलते हैं, भाई इनमें से ना भी किसी को भी मेरे ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं जाने वाला, देख रहे हो। अभी मैं कोई नॉर्मल बंदा होता ना तो ये लोग मेरे ऊपर पक्का शक करते और मेरे पे पूरी नजर टिका के रखते, बट अभी फिलहाल मामला एकदम शांत है। इनको लग रहा है पता नहीं भुट्टे ने कुछ ज्यादा पी लिया, इधर उधर घूम रहा है। बट एक सेकंड, सामने की तरफ में एक बंदा हो रहा है, इसको ना गाइस अभी थोड़ा अलग हथियार से मारना पड़ेगा, रेंज तो नहीं, ये मस्त है भाई, ये जब बंदे के पड़ेगा ना तो बहुत सही सीन रहेगा। बट उससे पहले यहाँ पर मैं देख लूँ, तीन गार्ड्स इधर खड़े हैं, तीनों का ध्यान अंदर बिग माफिया के भाई पर है, और ये भाई सब जो है इसका ध्यान यहाँ से बाहर है, बट मेरे को कोई ना देख ले, वो भी मेरे को ध्यान रखना है। चलो ठीक है, ये बंदा है ना यहाँ पर, चुपचाप से हम लोग चलते हैं इसको मारने के लिए। ओ एक सेकंड, इसको अंदर रखना पड़ेगा, सामने से एक बंदा और आ रहा है। बाकी वो देखो ट्रेवर अपना ऊपर बैठ के हमारी सारी हरकतें नोट कर रहा है। 3, 2, 1 एंड लेट्स गो, चल निकल यहाँ से। फिलहाल यहाँ पर इसके रख के मैंने मार दिया, चलो मामला एकदम क्लियर है, अपना हथियार डाल लेते हैं अंदर, अभी चलते हैं हम लोग सीधा अंदर की तरफ में। तीन गार्ड्स और बचे हैं जो मेन दिन का ध्यान बिग माफिया के भाई के ऊपर है, बाकी गेट पर भी काफी सारे हैं तो इनको भी मारना पड़ेगा। भी रुक जाओ गाइस, अभी मैं कौन सा हथियार निकालूं मुझे समझ नहीं आ रहा, यहाँ पर जो बंदे हैं ना इनको मारना बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। अब मेन दिक्कत तो इन दो को मारने में आने वाली है, लेकिन वो जो पीछे वाला बंदा है ना मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ भी यहाँ पर पता चलने वाला है। तो बिना फिलहाल अगर देखा जाए तो मेरे पास कोई ढंग की गन भी नहीं है, एक पिस्टल है, एक देसी कट्टा है, ये तो चलाना नहीं, शोर मच जाएगा, स्टन गन से ही काम हो सकता है। एक काम करता हूँ गाइस, पहले ना मैं जाकर इसके कुल्हाड़ी मारता हूँ, उसके बाद ना स्टन गन मार दूंगा दूसरे वाले का, ठीक है 3, 2, 1 लेट्स गो। वैसे स्टन गन मारने का टाइम नहीं रहेगा अभी ना गाइस, जल्दी से यही मेरे को उसको मारना पड़ेगा, और कुछ ज्यादा तेज लग गया। ओह भाई उसके मत्थे पे मार दिया भाई गलती से मैंने, चलो कोई नहीं, बहुत ज्यादा सही सीन है, रेंच मेरे पास पड़ा हुआ है, जल्दी से चलते हैं इसको मारने के लिए। बुजुर्ग आदमी आ रहा है, 3, 2, 1 लेट्स गो। अबे यहाँ पर बिग माफिया के भाई के गार्ड्स को बेचारों को सुनाई नहीं दे रहा इतने शोर में, चलो ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ से मेरे को वो दिख तो गया है, बट मैं उस तक कैसे पहुंचूंगा वो मुझे देखना पड़ेगा। अभी फिलहाल ना अपने वेपन चुपचाप से अंदर डाल लेते हैं, और दोबारा से एक नॉर्मल ओल्ड पर्सन बनके ना एक मिनट रुक जाओ, यहाँ से ताप के चलेंगे इस बारी, किसी को कुछ नहीं पता चलने वाला भाई, यहाँ पर सब लोग अपना ड्रिंक करके पार्टी वार्टी करने में मस्त हो रखे हैं, अभी इनको नहीं पता ये जो ओल्ड मैन है ना क्या ही मजे लेकर यहाँ से जाने वाला है। तो गाइस यार देखो, बिना फिलहाल इधर जितने भी बिग माफिया के भाई के बॉडीगार्ड्स थे ना, सबको मार के मैंने डाउन कर दिया है, लेकिन यार अभी ना मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि जो दो बॉडीगार्ड्स उसके पीछे खड़े हुए हैं ना, उन तक मैं कैसे पहुंचूंगा। वहां तक पहुंचने के लिए ना मुझे उस सोफे पे जाना पड़ेगा, मैं भी VIP मेंबर हूं, कोई जाने से रोकेगा तो नहीं, बट दिक्कत इस बात की है कि बिग माफिया का भाई मेरे को पहचान न ले, बट अभी ना फिलहाल मेरे को नहीं लगता वो मेरे को पहचान पाएगा, तो अभी ना गाइस हमें ये रिस्क उठाना ही पड़ेगा। बिना चुपचाप से ना मैं यहाँ पर आकर बैठ जाता हूँ, देखी जाएगी क्या होता है। तो ओके गाइस, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मैं चुपचाप से इस VIP सीट पर आकर बैठ चुका हूँ, और अच्छी बात तो ये है कि बिग माफिया के भाई ने ना मुझे पहचाना नहीं, बट ये जो बगल में बंदा है ना डगन बॉस के भाई जैसा, ये मेरे को बहुत ज्यादा घूर घूर के देख रहा है, और इस टाइम पर ना बिग माफिया का भाई पता नहीं किसी को बार बार ही कॉल करे जा रहा है। तो गाइस देखो, बिना फिलहाल बिग माफिया का भाई ना अपनी सीट से खड़ा हो चुका है, और मुझे नहीं मालूम कि आखिरकार ये किसको फोन लगा रहा है, और अभी ना मुझे पता है क्या लग रहा है कि इसको ना हमारे ऊपर शक हो चुका है, और अभी फिलहाल ये कहां पर जा रहा है। एक सेकंड, अबे भाई इन दोनों बंदों को मारने के लिए मैं यहां पर आया था, और ये दोनों भी अभी फिलहाल इसके साथ ही निकल चुके हैं, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं भी इनके साथ ही चलने वाला हूं, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि ये लोग अपने हाथ से निकल कर चले जाएं, थोड़ा बहुत डिस्टेंस मेंटेन कर लेता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग मेरे ऊपर शक करने लग जाएं। भाई ये एक सेकंड, ये वापस तो नहीं जा रहा, नहीं यार अभी तो भाई मतलब 12 भी जी नहीं बजे, अगला साल हुआ भी नहीं है भाई, न्यू ईयर तो सेलिब्रेट कर ले। एक सेकंड भाई, ये यहाँ से निकल रहा है क्या भाई, मुझे ना कोई गड़बड़ लग रही है, ड्राइवर को बुलाना पड़ेगा जल्दी से।
तो अभी ना फिलहाल ट्रेवर को छोड़ो, क्योंकि यार इस टाइम पर ना बिग माफिया का भाई 100% है, गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल रहा है। भाई साहब इसकी ना हालत खराब हो गई है, मुझे पता है क्या लग रहा है, इसको ना पता चल गया था कि यहाँ पर मैं इसको मारने के लिए आ रहा हूँ। अभी ना फिलहाल पहले इस एरिया से ना इसको निकल लेने देते हैं, क्योंकि इसको लग रहा है कि ना ये चुपचाप यहाँ से निकल जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा। अभी फिलहाल ना मैं इसके पीछे पीछे आ चुका हूँ, इसके बॉडी गार्ड्स को भी नहीं पता कि इसके साथ क्या सीन हो रहा है, ये चुपचाप से यहाँ से भागना चाह रहा है। बट अभी ना फिलहाल इसकी इतनी तेज टक्कर, ओ भाई एक सेकेंड, यहाँ पर इसने अपनी गाड़ी को राइट मोड़ लिया। चल चल बेटा चल, अभी फिलहाल मेरे को यहाँ के रास्ते तो नहीं पता, बट फिर भी कोई नहीं, अंदाजा ले रहा हूँ अगर वो आगे से गया है ना तो मेरे हिसाब से मेरे को वो इसी कट पर मिलना चाहिए। अगर वो मिस्टेक हो गई ना तो भाई वो कहीं पर भी निकल सकता है। तो गाइस यार देखो, बिना फिलहाल मेरे को पता है क्या लग रहा है कि मैंने ना अलग से ये वाला कट लेकर ना गलती कर दिया है, क्योंकि यार इधर ना काफी सारे ऐसे ऐसे रास्ते हैं जिसमें मैं भटक सकता हूँ। बाकी यार यहाँ पर ये पुलिस ओके, तो बिना फिलहाल गाइस यार बिग माफी के भाई ने ना यहाँ पर पुलिस भी बुला लिया है और अभी तो मुझे यार उसकी गाड़ी भी नहीं मिल रही। बट एक सेकंड आएगा तो वो यहीं से ना ये रिस्क गाड़ी चल निकल यहाँ से भी फिलहाल यार, लेकिन काफी ज्यादा पुलिस यहाँ पर आ चुकी है। एक सेकंड इसको ना पहले, ओ भाई साहब बिना फिलहाल ये तो ऐसे हाथ से ही निकल जाएगा यार, बट कोई नहीं मैं इसको हाथ से निकलने नहीं दूंगा। हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ पर आ चुके हैं और पुलिस वाले तो भाई पागल होकर मेरे पीछे पड़ गए हैं। तो गाइस यार देखो, बिना फिलहाल मुझे ना कुछ भी कर ना बिग माफिया के भाई को ना इस बार अपने हाथ से निकलने नहीं देना है। भाई इसका ये जो प्लान था ना बहुत ज्यादा तगड़ा था, इसलिए ना पहले एकदम पुलिस को ना कॉल करके एकदम बढ़िया तरीके से बुला लिया, उसके बाद मेरे पर अटैक करने आया था तीर ऐसे की तरह से निकल यहाँ से। बट एक सेकंड बिना फिलहाल रुक जाओ, गाड़ी को ना जल्दी से मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यार यहाँ पर ना आगे से अगर ये जा रहा है तो सीधी सी बात है कोई ना कोई ट्रैप मेरे ऊपर हो सकता है। तो गाइस देखो, बिना फिलहाल बिग माफिया के भाई ने क्या किया, अपनी गाड़ी को ना आगे ले जाकर पूरा यू टर्न ले लिया ताकि मैं पूरा को पूरा कंफ्यूज जाऊं। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर ये कितनी भी पुलिस बुला ले लेकिन इस बार ये नहीं बचने वाला। भाई वहां पर बैठ के जिसने कॉल करके अपने बॉडी गार्ड्स के साथ बैठकर पूरी प्लानिंग कर ली 5 मिनट में, तो आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हो भाई ये बंदा कितना ज्यादा तेज है। भी फिलहाल यार यहाँ से आगे आते हो तो मैंने उसे देखा था, बट इसके बाद वो कहाँ पर गया ये मुझे नहीं पता। बट एक सेकंड, यहाँ पर ना एक रास्ता है जो कि शिकागो से बाहर निकलता है, तो हो सकता है वो इसी वाले हाईवे पर गया हो। ओ ओ ओ आराम से आराम से आराम से भाई आराम से चलाओ। तो गाइस देखो, बिना फिलहाल यहाँ पर धीरे धीरे करके ना बहुत ज्यादा गलत सीन हो गया है और फाइनली मुझे वो वाला रास्ता मिल गया जो कि शिकागो से बाहर निकलता है। बट आगे की तरफ में भी काफी ज्यादा पुलिस आ गई है और पीछे की तरफ में भी बहुत ज्यादा पुलिस आ गई है। पहले तो ना यार मुझे इन लोग से पीछे छुड़ाना पड़ेगा, तभी यहाँ पर मैं बिग माफिया के भाई को पकड़ पाऊंगा, वरना तो सीधी सी बात है ये काम इम्पॉसिबल है। अच्छी बात तो ये है कि इसकी गाड़ी जो है ना पूरी की पूरी बुलेट प्रूफ है। एक काम करता हूँ, पहले ना मैं हटा ले भैया इसको, जल्दी से ना इसको मैं आगे लेकर चलता हूँ तो ही शायद मेरे को कोई रास्ता मिलेगा। तो गाइस देखो, बिना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी पकाते पकाते ना सीधा फ्लाईओवर के नीचे की साइड पर लेकर आ चुका हूँ। गाइस यार इधर ना थोड़ी बहुत शांति है, कम से कम पुलिस वाले तो हमें ढूंढ नहीं पाएंगे थोड़ी देर तक के लिए। बट यार अभी ना फिलहाल कुछ नहीं मालूम कि क्या सीन हुआ, बिग माफिया की गाड़ी भाई की गाड़ी का मैं एकदम करेक्ट पीछा कर रहा था, बट यार पता नहीं कब में इतनी ज्यादा पुलिस आई कि इतनी टक्कर पड़ी अपनी गाड़ी पर, और उसकी गाड़ी उतनी देर में किस रोड पे मुड़ी कहाँ पे मुड़ी भाई कुछ नहीं मालूम। बट हाँ अभी ना जल्दी से गाइस हमें ना फटाफट से फ्रैंकलिन और ट्रेवर को ना कॉल कर बता देना चाहिए कि बिग माफिया का जो भाई है ना वो अपने हाथ से निकल कर जा चुका है। फटाफट से ना मैं इन दोनों को कॉल करता हूँ, क्योंकि गाइस अभी ना ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। बट एक सेकंड, सामने की तरफ में ना गाइस यार एक रेंज रोवर और खड़ी हुई है, और जहां तक मुझे लग रहा है ना शायद से ये बिग माफिया की भाई की गाड़ी है। मैंने ना इनके ऊपर फायरिंग इसलिए नहीं करी थी क्योंकि यार मैं नहीं चाहता था कि जो बिग माफिया का भाई है वो मर जाए, क्योंकि मिलिट्री कर्नल ने साफ साफ बोला है कि ये लोग चाहते हैं कि उसे जिंदा पकड़ कर लाए। फिलहाल गाड़ी तो वो यही वाली है, बट ऐसा तो नहीं वो पानी में कूद के बोट लेकर भाग गई हो, क्योंकि अभी ना यहाँ पर दो दो बोट गई थी और सामने से एक बोट और आ रही है। चुपचाप से मैं आगे चलता हूँ भाई, एकदम चुपचाप से, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता भैया यहाँ पर क्या सीन है। बाकी एक बोट तो आ रही है, मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। ओके अभी फिलहाल यहाँ पर गाड़ी का ना इनका एक्सीडेंट हुआ भाई साहब, बहुत ज़्यादा गलत वाला ही। ओके तो यहाँ पर एक बोट तो आ गई है, इस बोट के अंदर दो बंदे बैठे हुए हैं, पर ये यार वो दोनों, ओ भाई एक सेकंड, यहाँ पर तो यार इसका बॉडी गार्ड डाउन पड़ा हुआ है पीछे की तरफ में। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, ये हमें बताएगा आखिरकार बिग माफिया का भाई ना कहाँ पर गया। एक सेकंड भागने की कोई जरूरत नहीं है, और यहाँ पर बिग माफिया का भाई यहीं पर है। नहीं फायर, ओ तेरी भाई साहब ये कौन सी गन मार रहा है, एक सेकंड, उसके पास तो कोई बहुत ज्यादा तगड़ा ही वेपन है। बट अभी ना सबसे पहले ना मुझे उसके बॉडी गार्ड को मारना पड़ेगा भाई, वो जो गन फायर कर रहा है ना उसका इफेक्ट उसको खुद को भी पड़ रहा है। मेरे को तो लग रहा है भाई ये दीवार वगैरह गिरा देगा, पहले ना यार यहाँ से पीछे चलना पड़ेगा, मैं इसको मारना नहीं चाहता। बट एक काम ऐसा कर रहा है कि मुझे ना इसके ऊपर फायर करना पड़ेगा, इसके मैंने पैर पे एक गोली मार दिया है। तो चलो अभी ना फिलहाल इसका बॉडी गार्ड तो यहाँ पर मैंने डाउन कर दिया है, बाकी ये बेचारा जमीन पे गिर गया क्योंकि इसके सीधा पैर पे गोली पड़ी है। तो बेटा जी मैंने पहले ही बोला था हमसे पंगा लेकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पता नहीं कौन सी गन की मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था। अभी फिलहाल इसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो ये है इसकी पिस्टल, ये देखो
भाई साहब काफी ज्यादा खतरनाक गन है वो, तो सही टाइम पर मैंने कवर ले लिया वरना ये हालत खराब कर देता। अभी ना जल्दी से यहाँ पर मैं ट्रेवर फ्रैंकलिन को कॉल करता हूँ और अभी मैं इसको बिल्कुल भी मारूंगा नहीं क्योंकि यार बंदा ये बहुत ज्यादा दिमाग वाला है, कुछ भी कर सकता है अभी भी। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैंने यहाँ पर ना इसको एकदम प्यार से समझा दिया कि चुपचाप से उठ और फटाफट से ना हेलीकॉप्टर आ चुका है उसके अंदर जाकर बैठ जा। और यार इस टाइम पर ना फ्रैंकलिन और ट्रेवर 10 मिनट के अंदर ही इसी का हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मतलब कि यार इसके साथ ना काफी सारी सिक्योरिटी आई थी। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर फ्रैंकलिन तो ऑलरेडी बैठा हुआ है और साथ ही ट्रेवर भी अपना आकर बैठ चुका है। पुलिस बिचारी इसको ढूंढने में लगी हुई है लेकिन अभी फिलहाल पुलिस को नहीं पता इसको लेकर हम लोग निकलने वाले अभी सीधा मिलिट्री कर्नल के पास, वो भी लॉस सैंटोस के। तो चलो यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मुझे नहीं मालूम कि कहाँ पर कितनी सिक्योरिटी लगी हुई है, अभी जल्दी से जल्दी ना हमें इसे लेकर यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना शिकागो की पुलिस भी अपने पीछे पड़ जाएगी। बाकी तो अभी फिलहाल मेरे को पता है क्या लग रहा है कि हमने ना काफी सारे गैंगस्टर से ना दुश्मनी मोल ली है क्योंकि यार इसके ना काफी सारे वीआईपी फ्रेंड्स और भी आने वाले थे बट उससे पहले ही हमने इसका सीन कर दिया। और जहां तक मुझे लगता है जो उसके फ्रेंड्स थे ना वो बाद में हमसे बदला लेंगे ही लेंगे, आपको क्या लगता है कमेंट में जाकर जरूर बताना। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल मैं इस कार को वो हेलीकॉप्टर को भगाते भगाते पहुंच चुका हूँ सीधा लॉस सैंटोस। और गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर मिलिट्री कर्नल से भी कॉल पे बात हो गई थी और उसने हमें बोला है कि तुम्हें ना सीधा मिलिट्री बेस के ना पीछे वाली साइड पर आना है, वहां पर वो पूरी की पूरी आर्मी के साथ ना इसका इंतजार कर रहा है। मेरे को तो पता है क्या लग रहा है कि अभी ना बिग माफिया के भाई का ना दिल से स्वागत होने वाला है, अब आप लोग समझ जाओ कैसे वाला। तो चलो कोई नहीं बिना फिलहाल जल्दी से अपने हेलीकॉप्टर को लेकर चलते हैं नीचे। और इस टाइम ना गाइस सुबह के 5 बज रहे हैं, सबसे ज्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि हम लोग शिकागो से काफी ज्यादा सेफली लॉस सैंटोस आ गए। मुझे लग नहीं रहा था कि हम लोग ये काम कर पाएंगे बट हमने आखिरकार कर दिखाया। तो चलो गाइस फाइनली अपने हेलीकॉप्टर को यहाँ पर मैंने काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से लैंड करा दिया है, जल्दी से हम लोग इसमें से उतरते हैं। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल बिग माफिया का भाई ना खुद से चलकर मिलिट्री कर्नल के पास जा चुका है क्योंकि यार इसे मालूम है कि इस टाइम पर ये अभी ना कुछ भी नहीं कर सकता, सामने से पूरी की पूरी आर्मी आ चुकी है, पीछे से हम है और अभी फिलहाल ने इसने जाकर डायरेक्टली वहां पर सरेंडर कर दिया है। तो गाइस यार जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग बिग माफिया के भाई को पकड़ कर लाकर मिलिट्री कर्नल के हाथों में दे देंगे वो भी जिंदा, सेम टू सेम वही काम हमने कर दिया है। तो चलो गाइस यार आज के इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना, इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 9 लाख लाइक के लिए। तो सभी लोग जाओ यार जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो और जो भी चैनल पे नहीं हो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताना कि हमें बिग माफिया के भाई का सारा बचा कुचा पैसा ढूंढना चाहिए या फिर इन सब चक्करों में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए, भाड़ में जाने देना चाहिए। तो जल्दी से आकर यार कमेंट में बता दो। और हाँ जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो एंड मेरे से बात करने के लिए आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के वाली वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय। Yeah.